हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, शैल वी स्टार्ट? शुरू करें? सो स्टार्टिंग विद द थ्री गोल्डन वर्ड्स एज यूजुअल, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो जहाँ लास्ट लेक्चर छोड़ा था वहीं से आगे शुरू कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग फर्दर विद द एग्जैक्टली द प्लेस वेयर वी हैड लेफ्ट। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था एक बार फटाफट रीकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने वो प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, वो सारे देख लिए थे, वो सारे के सारे कर ही लिए थे। अगर आपको याद है, थोड़ा सा याद दिलवा देता हूँ। नंबर वन, लिटरल इंटरप्रिटेशन। नंबर टू, दैट वॉज रीजनेबल इंटरप्रिटेशन। देन हारमोनियस इंटरप्रिटेशन, बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन। देन वी टॉक्ड अबाउट रूल ऑफ कॉमन सेंस एंड एक्सेप्शनल रूल्स, एंड देन एजुस्टम जेनरस। याद है आप लोगों को? और फिर हमने बात की थी सेकेंडरी रूल्स के बारे में, जिसमें हमने कस्टम के बारे में बात की थी, इफेक्ट ऑफ यूजेज के बारे में बात की थी, एंड देन इन द एंड वी टॉक्ड अबाउट नॉसीटर सोसेस। इससे पहले कि मैं आगे शुरू करूँ, आप लोगों को कुछ पूछना है, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, मोस्ट वेलकम। देन आई विल स्टार्ट फर्दर, फिर मैं आगे शुरू करता हूँ। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, मोस्ट वेलकम। दिस इज पेज नंबर 11। पेज नंबर 11, व्हाट आर द इंटरनल एड्स, इंटरनल हेल्प और द एक्सटर्नल एड्स फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। लॉ पढ़ते समय इंटरनल हेल्प कहाँ कहाँ से मिलती है और एक्सटर्नल हेल्प कहाँ कहाँ से मिलती है, इसके बारे में हम बात अब शुरू कर रहे हैं। मतलब चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे कोई एडवोकेट है, चाहे कोई जज है, जब लॉ को पढ़ता है, इंटरप्रेट करता है, तो उसको मदद कहाँ कहाँ से मिलती है। सबसे पहले इंटरनली लॉ के अंदर से उसको मदद कहाँ कहाँ से मिलती है, सबसे पहली चीज़ है गेटिंग स्टार्टेड लॉन्ग टाइटल। नाउ लॉन्ग टाइटल ऑफ द लॉ, अब एक चीज़ होती है शॉर्ट टाइटल और एक चीज़ होती है लॉन्ग टाइटल। शॉर्ट टाइटल का मतलब जिसको हम एब्रीवेशन फॉर्म में लिख लेते हैं, लॉन्ग टाइटल का मतलब जब हम उसको फुली एक्सपेंड करके लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल जो मैं बोलने जा रहा हूँ, आपके नोट्स में लिखा नहीं है, IPC। IPC का फुल फॉर्म किसी को मालूम है? एनीबडी अवेयर ऑफ IPC फुल फॉर्म? प्लीज आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। चलिए, मेरे पास पहला आंसर आ गया इमीडिएटली, इंडियन पीनल कोड, एंड रेस्ट ऑफ यू विल फॉलो ऑब्वियसली, आई नो। सो दिस इज कुरुक्षेत्रा, थैंक यू वेरी मच, जनकपुरी ऑल्सो। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर विच हैज कम, दैट इज इंडियन पीनल कोड ओवर देयर, IPC। तो IPC इज शॉर्ट टाइटल, एंड आई विल से दिस इज इंडियन पीनल कोड इज लॉन्ग टाइटल। जिसको पढ़कर ये समझ में आता है, इंडियन पीनल कोड से ये समझ में आया था कि वो जो कोड बनाया गया, लॉ बनाया गया, वो पीनलाइज करने के लिए है, वो जेल करने के लिए है, पेनल्टी इम्पोज करने के लिए है, इंडियन पीनल कोड। एक एग्जाम्पल आपके नोट्स में लिखा हुआ है ऑलरेडी, शॉर्ट टाइटल आपके नोट्स में दिया है, लॉन्ग टाइटल किसी को आइडिया है? वेल, आपके सामने स्क्रीन पर विजिबल है, कॉफेपोसा। कॉफेपोसा आपके सिलेबस में आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चैप्टर में करेंगे, यू आर अल्टीमेटली गोइंग टू डू इन द चैप्टर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो द क्वेश्चन फॉर यू इज, क्या किसी को थोड़ा सा आइडिया व्हाट इज कॉफेपोसा? मैंने जब LLB किया था, ये एक्ट तब पढ़ा था मैंने LLB के अंदर, तो आई एम शोइंग यू समथिंग ऑन स्क्रीन राइट नाउ, कॉफेपोसा की फुल फॉर्म। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। ये हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चैप्टर में रेफर करेंगे, वहाँ पर दिस इज वन ऑफ द रेलिवेंट टॉपिक्स इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। नाम से क्या पता चलता है कि एक्ट किस लिए बनाया गया है, एक्ट का पर्पज क्या है? क्या इससे कुछ अंदाजा होता है कि एक्ट बनाने का पर्पज क्या है? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज बचाओ, फॉरेन एक्सचेंज को खर्च मत होने दो, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। तो एक्ट किस लिए है? स्मगलिंग हो जाने के बाद स्मगलर्स को पकड़ने के लिए, या स्मगलिंग होने से पहले स्मगलर्स को पकड़ने के लिए? व्हाट इज द पर्पज ऑफ द एक्ट? स्मगलिंग एक्टिविटी हो जाने के बाद फिर उनको जेल में डालना है, या स्मगलिंग एक्टिविटी करने से पहले ही उनको जेल में डालना है? प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज। सो आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड गेटिंग द आंसर्स, कुरुक्षेत्रा, फरीदाबाद, दैट इज बिफोर बिफोर द एक्टिविटी, बिफोर द स्मगलिंग एक्टिविटी टेक्स प्लेस, दैट इज अ करेक्ट आंसर। एंड आल से तो एक्ट के नाम से, शॉर्ट टाइटल से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन लॉन्ग टाइटल से जरूर पता चल जाता है कि एक्ट का पर्पज क्या है, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऑब्वियसली स्मगलिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो जाने के बाद भी अगर कोई पकड़ में आता है तो क्या जेल होगी?
अगर स्मगलिंग एक्टिविटी कर स्मगलर स्मगलिंग एक्टिविटी कंप्लीट कर लेता है तो क्या उसके बाद भी अगर वो पकड़ में आता तो क्या जेल जाना पड़ेगा? आंसर इज यस. आंसर इज यस. सो ऑलरेडी आई एम गेटिंग द आंसर्स. आई नो दैट एवरीबडी नोज द आंसर. किसी को यहाँ पर आंसर बताने की जरूरत नहीं है, एवरीबडी नोज द आंसर. लेकिन स्मगलर ने अभी तक स्मगलिंग की नहीं है. अब सवाल ये है, मुद्दा ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, स्मगलर ने अभी तक स्मगलिंग की नहीं है, क्या उससे पहले ही उसको जेल कर देंगे? अभी तो उसने स्मगलिंग किया भी नहीं है, क्या उससे पहले भी उसको जेल हो सकती है? यस और नो? यस और नो, दैट इज द आंसर यू हैव टू गिव. इलाहाबाद से इज नो, फरीदाबाद से इज नो. कुरुक्षेत्रा कहते हैं जेल हो सकती है अगर प्रूफ अवेलेबल है. किस चीज का प्रूफ अवेलेबल है? वेल, पठानकोट से इज नो, जनकपुरी से इज यस इफ द इंटेंशन इज क्लियर. मेरे दिमाग में इंटेंशन है कि मुझे मिस्टर एक्स का खून करना है, बस दिमाग में है, और कहीं उसके एविडेंसेस विजिबल नहीं है, तो क्या उसके लिए मुझे जेल हो सकती है? 14 साल की जेल, मैंने अभी तक खून किया नहीं है, क्या मुझे उसके लिए सिर्फ इंटेंशन की वजह से जेल हो सकती है, या इंटेंशन से ज़्यादा और कुछ चाहिए, कोई प्रूफ चाहिए? इज सम प्रूफ रिक्वायर्ड? चलिए, मतलब अगर मैं बात करूं कि एक पर्टिकुलर जो स्मगलर है उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, वो पहले कभी स्मगलिंग के सिलसिले में जेल गया था, पुलिस स्टेशन में उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, जेल जा चुका है, जेल कंप्लीट करके बाहर आ चुका है, और अभी फिर दोबारा स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहा है, और उसका फ़ोन टैप हो जाता है, और फ़ोन पर वो बोल रहा है कि कमिंग सैटरडे बिस्किट्स की डिलीवरी आने वाली है. अब मुझे बताइए, जब उसका फ़ोन टैप हो जाता है, ये सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं, कमिंग सैटरडे बिस्किट्स की डिलीवरी आने वाली है, कौन से बिस्किट्स की डिलीवरी आने वाली है, कौन से बिस्किट्स? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. व्हाट काइंड ऑफ बिस्किट्स आर कमिंग? सो आंसर्स आर ऑलरेडी कमिंग इन देयर. आंसर्स आर ऑलरेडी कमिंग इन देयर. Obviously, we are talking about gold biscuits. We are not talking about Parle G. We are not talking about tiger biscuits. We are talking about the gold biscuits. अब ऐसे व्यक्ति का जिसका पास ट्रैक रिकॉर्ड हो और उसका फ़ोन टैप हो जाता है कि गोल्ड बिस्किट्स की डिलीवरी आने वाली है, क्या उसको हम सैटरडे को डिलीवरी आने से पहले अभी, क्या उसको मंडे को ही हम जेल कर सकते हैं कि भाई अब जेल तुम्हें अभी डाल रहे हैं और एक काम करते हैं, जब सैटरडे को डिलीवरी आएगी तो तुम्हारी जगह डिलीवरी लेने के लिए पुलिस वाले या कस्टम्स वाले खुद ही पहुँच जाएंगे? पॉसिबल? Can we put him in jail? Can we put him in jail? क्योंकि हमने उसका फोन टैप कर लिया, हमने उसका फोन रिकॉर्ड कर लिया, और हमारे पास कुछ एक एविडेंस है, उसका ऑडियो एविडेंस है कि वो बिस्किट्स की डिलीवरी लेने वाला है, क्या इस बेसिस पे जेल हो सकती है? येस और नो? तो फाइनल आंसर इज फरीदाबाद से इज नो, मोदीनगर से इज येस, इलाहाबाद से इज येस, कुरुक्षेत्रा से इज नो. इलाहाबाद से इज येस बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी. तो अब यहां पर मैं अपनी तरफ से फाइनल आंसर दे दूं, और फाइनल आंसर क्या है? आंसर इज येस, कॉफेपोसा में उसे जेल हो सकती है स्मगलिंग करने से पहले, क्योंकि कॉफेपोसा का पर्पज क्या है? उसको स्मगलिंग करने से रोकना, दैट इज द पर्पज ऑफ कॉफेपोसा. That is why the act is made over there, ताकि वो smuggling कर ही ना पाए, इसलिए कॉफेपोसा में उसको जेल की जा रही है. And I'll say that is the whole story there, preventive detention. Detention का मतलब ही है जेल. Detention means जेल. But I'll say detention अब दो प्रकार की होती है, punitive detention, preventive detention. Punitive detention जैसे कि इंडियन पीनल कोड में होती है, एंड वी से इन द इंडियन पीनल कोड क्राइम हो जाने के बाद आपको जेल जाना पड़ेगा. इन द नेचर ऑफ पनिशमेंट, प्यूनिटिव डिटेंशन इन द नेचर ऑफ पनिशमेंट, जबकि कॉफेपोसा में जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन, दिस इज बिफोर कमिटिंग द क्राइम, दिस इज before actually committing the crime of smuggling, smuggling करने से पहले.
कॉफे पोसे का पर्पज ही है टू सेंड समबडी टू जेल बिफोर ही कमिट्स अ क्राइम. तो कहानी ये है कि लॉन्ग टाइटल से हमें ये जरूर मदद मिल जाती है कि एक्ट का पर्पज क्या है. और एक चीज़ यहाँ पर बोलूँगा, इज इट पॉसिबल कि जैसे 14 नवंबर आता है, बाल दिवस आता है और फॉगी एटमॉस्फेयर शुरू हो जाता है, तो बॉर्डर एरियाज़ में, इंडो पाक बॉर्डर, इंडो नेपाल बॉर्डर, इंडो चाइना बॉर्डर, बॉर्डर एरियाज़ में स्मगलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं. जब सर्दियों में फॉग हो जाती है, जब कोहरा हो जाता है, तो उस वक्त स्मगलिंग के चांसेज इंक्रीज़ हो जाते हैं. लाइकवाइज जो हमारे सी एरियाज़ हैं, जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं, जिसको हम कहेंगे कोस्टल एरियाज़, तो अरेबियन सी के साथ लगता हुआ गुजरात का कोस्टल एरिया, महाराष्ट्र का कोस्टल एरिया, कर्नाटका, देन केरला कोस्टल एरिया, या फिर बे ऑफ बंगाल के साथ लगता हुआ हमारा तमिलनाडु का कोस्टल एरिया, आंध्र प्रदेश कोस्टल एरिया, देन वी से वेल उड़ीसा का कोस्टल एरिया, वेस्ट बंगाल का कोस्टल एरिया. कोस्टल एरिया में स्मगलिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं इन द विंटर्स, इन द फॉगी टाइम्स. तो उन दिनों में बड़ा सिंपल सिंपल क्या करें, 14 नवंबर को बाल दिवस वाले दिन कॉफे पोसा में लोगों को डिटेन कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन ग्राउंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एविडेंसेस, आफ्टर गिविंग द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. और कॉफे पोसा में डिटेंशन ज़्यादा समय के लिए नहीं होती है, जेल सिर्फ 3 महीने की है. कॉफे पोसा द जेल इज फॉर 3 मंथ्स ओनली, 3 महीने के लिए जेल कर देते हैं. और उसके बाद वेल 3 महीने के लिए मतलब 14 नवंबर से शुरू करेंगे तो कहाँ तक जाएगा, हाँ जी, 14 नवंबर टू व्हाट डेट, 3 मंथ्स, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी. तो वैलेंटाइंस डे वाले दिन इनको हैप्पी वैलेंटाइंस डे बोलकर छोड़ दिया जाता है कि जाइए अब आप अपने घर जाइए, वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कीजिए. और अब वो फॉगी एटमॉस्फेयर खत्म हो गया, तो आपकी 3 महीने की जेल कंप्लीट हो गई. तो कॉफे पोसा इट इज़ अ वेरी स्मॉल टाइम पीरियड ऑफ जेल विच इज़ ओनली 3 मंथ्स. लेकिन पर्पज क्या है, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए. द पर्पज इज टू प्रिवेंट स्मगलिंग. तो स्मगलिंग करते हुए रंगे हाथ नहीं पकड़ रहे हैं, स्मगलिंग करने से पहले जेल की जा रही है. एंड नाउ आई गो बैक टू द नोट्स वंस अगेन. व्हेन आई से जनकपुरी सेज नहीं सर, 14 फेब नहीं, 13 फेब, एक दिन पहले छोड़ देंगे. चलो एक दिन पहले गुलाब का गुलदस्ता देकर साथ में बुके, रोजेस का बुके पकड़ा कर छोड़ देना, तो अगले दिन तक तो फ्रेश रहेगा, ताकि अगले दिन यूज हो जाएगा. नो देन टॉकिंग अबाउट दैट फर्दर, सो वी से लॉन्ग टाइटल दैट इज, तो लॉन्ग टाइटल में वही हमारे पास शॉर्ट टाइटल कहेंगे कॉफे पोसा, और कॉफे पोसा की फुल फॉर्म बनाएंगे तो लॉन्ग टाइटल हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट. तो पहली इंटरनल हेल्प हमें यहीं से मिल जाती है जब हम एक्ट को पढ़ते हैं, फर्स्ट इंटरनल हेल्प कि एक्ट का पर्पज़ क्या है. तो हम सेक्शंस को पढ़ते समय ध्यान में रखें कि एक्ट का पर्पज़ क्या है, लॉन्ग टाइटल से समझ में आ जाता है. प्रीएम्बल कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 का एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर. प्रीएम्बल क्या होता है, लॉन्ग टाइटल के नीचे कुछ 3-4-5 लाइनों में लिखा होता है कि व्हाट इज़ द प्रीएम्बल ऑफ द एक्ट. यहाँ पर कॉम्पिटिशन एक्ट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं. एग्जाम में 4 बार क्वेश्चन आ चुका है प्रीएम्बल के ऊपर, स्मॉल क्वेश्चन 2 मार्क्स और समथिंग, कि प्रीएम्बल से मदद कैसे मिलती है, हेल्प कैसे मिलती है. तो जहाँ एक्ट का ऊपर टाइटल लिखा होता है, टाइटल के नीचे प्रीएम्बल में 3 लाइनों में बताया होता है कि एक्ट का पर्पज़ क्या है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द एक्ट, और एक्ट बनाने से क्या पर्पज़ अचीव होने वाला है, क्या ऑब्जेक्टिव अचीव होने वाला है. कॉम्पिटिशन एक्ट का एग्जाम्पल लेते हुए बोल रहा हूँ. अब यहाँ पर कॉम्पिटिशन एक्ट में लिखा हुआ है द पर्पज़ इज़ टू प्रमोट द कॉम्पिटिशन, टू सस्टेन द कॉम्पिटिशन. हम चाहते हैं कि मार्केट में कॉम्पिटिटर ज़्यादा से ज़्यादा हों, और कॉम्पिटिशन एक तो बढ़ाना चाहते हैं कॉम्पिटिशन को, और फिर सस्टेन करना चाहते हैं, मतलब मेनटेन करना चाहते हैं एट द सेम टाइम. और कॉम्पिटिशन एक्ट में साथ में ये कहते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन के लिए है, अल्टीमेटली इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स. और फॉरन कॉम्पिटिटर्स को भी हम इंडिया में अलाउ कर रहे हैं, वी आर अलाउंग द फॉरन कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो इन इंडिया. मार्केट में किसी तरीके की कोई नेगेटिव ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, कोई कहना चाहिए रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, या जिसको नाम दिया गया टेक्निकल वर्ड्स में वहां पर बोला गया, ऐसा कोई एग्रीमेंट ना हो विच हैज द एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन इन इंडिया. एप्रिशिएबल का मतलब सिग्निफिकेंट, बड़े लेवल पे. एप्रिशिएबल एडवर्स, एडवर्स का मतलब नेगेटिव. एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कॉम्पिटिशन इंडिया, लेट मी राइट इट डाउन ऑन द पेपर, तो सेक्शन और ऑन द स्क्रीन फॉर यू. कॉम्पिटिशन एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट सेज दैट.
और ये प्रीएम्बल कहता है नंबर वन, हम कंपटीशन को प्रमोट करना चाहते हैं, कंपटीशन को इंक्रीज करना चाहते हैं, नंबर टू एट द सेम टाइम हम कंपटीशन को उसके अलावा क्या ना चाहिए इंक्रीज भी करना चाहते हैं प्लस सस्टेन करना चाहते हैं, देन वी से हम कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, नंबर थ्री एट द सेम टाइम वी वांट कि मार्केट में कोई ऐसा एग्रीमेंट ना हो, वेल प्रोहिबिशन ऑन द एग्रीमेंट्स हैविंग एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन इन इंडिया। एंड फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट फॉर ऑल। अब ये मैं कहूँगा, ये मैंने आपको ब्रॉड ब्रॉड वर्ड्स में बताया, दीज आर नॉट द एग्जैक्ट वर्डिंग्स ऑफ द प्रीएम्बल, बट आल से प्रीएम्बल से मतलब ये प्रीएम्बल का जो मतलब निकल कर आता है, जो इंटरप्रिटेशन निकल कर आता है, वो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। एग्जैक्ट वर्डिंग्स ऑफ प्रीएम्बल मैं आपकी आपके नोट्स में, आपकी बुक में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई एम ऑलरेडी गिविंग इट टू यू पीपल इन द बुक, बट नाउ द पॉइंट इज कि इससे ये पढ़कर समझ में आ जाता है कि एक्ट का पर्पस क्या है। तो कंपटीशन एक्ट सिर्फ दो शब्दों से शायद ये समझ में नहीं आ रहा था कि कंपटीशन एक्ट क्या करना चाहता है, लेकिन प्रीएम्बल पढ़कर ये समझ में आ जाता है कि एक्ट क्या करना चाहता है। तो क्या प्रीएम्बल पढ़कर भी हमें ये मदद मिलती है, क्या हमें ये समझ आता है कि आखिर एक्ट का पर्पस क्या है? एंड द आंसर इज यस। तो प्रीएम्बल भी एक प्रकार की इंटरनल हेल्प है, एक्ट में लिखा हुआ है, एक्ट का पार्ट है, कहीं बाहर से नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्ट। जब लोकसभा राज्यसभा ने जब एक्ट अप्रूव किया तो एक्ट में उसका प्रीएम्बल भी लिखा हुआ होता है, और वो प्रीएम्बल भी लोकसभा राज्यसभा अप्रूव करती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करते हैं। सो आई विल से दैट इज व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रीएम्बल। एंड ऑब्वियसली वेल कॉम्पिटिशन एक्ट कहता है यू कैन हैव मोनोपोली बट यू कैन नॉट मिस यूज मोनोपोली। वो सेक्शन 4 ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट में आ जाता है कि आप डोमिनेंट पोजिशन का अब्यूज नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 4 में कुछ एड ऑन लिखा हुआ है, हालांकि ये मैं ये तो नहीं कहूँगा कि प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, बट येस दैट इज देयर इन द सेक्शन 4। तो पहली हेल्प मिलती है हमें कहाँ से? फर्स्ट हेल्प वी गेट फ्रॉम द लॉन्ग टाइटल, जैसे हमने अभी देखा, दैट इज आल से कॉफे पोसा, वन एग्जाम्पल वी हैव टेकन। And second help we get from the preamble. Third help हमें कहाँ से मिलती है? From the definitional sections. Definitional section normally section 2 होता है, generally देखा गया है most of the acts, ये तो नहीं कहूँगा every time 100%, लेकिन yes 99.9% ये बात सच है, most of the acts we see in India की section 2 contains the definition, definition part over there. Definitions लॉ मेकर ने लॉ में सेक्शन 2 में डेफिनेशंस क्यों दी होती है, उसका पर्पस क्या है, उससे क्या फायदा होता है, क्या ऑब्जेक्टिव अचीव होता है? अब ध्यान से सुनिएगा जो बोल रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अब अगर हम इनकम टैक्स एक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, इनकम टैक्स एक्ट में अब सैलरी की एक डेफिनेशन दे दी है। नाउ व्हेन दे हैव गिवन द डेफिनेशन ऑफ सैलरी इन सेक्शन 2, अब इनकम टैक्स एक्ट में अगर अलग अलग सेक्शंस में 40 जगह 50 जगह सैलरी वर्ड बार बार यूज हुआ है, तो लॉ मेकर को बार बार बताना नहीं पड़ेगा कि सैलरी क्या है, सैलरी क्या है, सैलरी क्या है, सैलरी क्या है। एक बार सेक्शन 2 में सैलरी की डेफिनेशन दे दी है तो हमें मालूम है कि अगर 40 अलग अलग सेक्शंस में सैलरी वर्ड यूज हुआ है तो जो एक बार सेक्शन 2 में डिफाइंड है वही डेफिनेशन हमें बार बार रेफर करनी है। अगर लॉ मेकर ने सेक्शन 2 में सैलरी वर्ड की डेफिनेशन नहीं दी होती, सैलरी को डिफाइन नहीं किया होता कि फॉर द पर्पज ऑफ होल इनकम टैक्स एक्ट द सैलरी इज दिस, अगर डिफाइन नहीं किया होता तो उस केस में लॉ मेकर को हर उस सेक्शन में जहां सैलरी वर्ड यूज हो रहा है हर बार सैलरी को डिफाइन करना पड़ता, और अगर 50 सेक्शन में सैलरी वर्ड यूज हुआ है तो 50 सेक्शन में सैलरी को बार बार डिफाइन करना पड़ेगा। सेक्शन 2 में एक बार डिफाइन कर देने से फायदा क्या हुआ कि एक बार डिफाइन करके छोड़ दिया और उसके बाद उसमें मेंशन कर दिया कि दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर द होल एक्ट,
दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर द होल एक्ट. तो पूरे एक्ट में जहाँ जहाँ सैलरी की डेफिनेशन आपको चाहिए आप ये सेक्शन 2 रेफर कर सकते हैं. तो आपको मतलब कुल मिलाकर कहानी आपको समझ में आ गई कि 50 सेक्शंस में अगर सैलरी वर्ड बार बार लॉ मेकर लिखता है तो उसको 50 बार सैलरी को डिफाइन नहीं करना पड़ता. लेकिन आपको ये भी मालूम है कि कुछ केसेस में फिर सैलरी की डेफिनेशन की एक्सेप्शंस है. अब फॉर एग्जांपल जब आप रेंट फ्री एकोमोडेशन की बात करते हैं, जब आप वेल ग्रेचुटी की बात करते हैं, यू आर अवेयर ऑफ राइट, आप लोगों को पता है ऑलरेडी. तो जब आप रेंट फ्री एकोमोडेशन या ग्रेचुटी वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पर लॉ मेकर उस पर्टिकुलर सेक्शन में वहीं पर ही डिफाइन कर देता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस स्पेसिफिक सेक्शन ओनली सैलरी मीन्स दिस. मतलब एक जनरल डेफिनेशन है सैलरी की जो पूरे एक्ट के लिए एप्लीकेबल है, और दूसरा एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है सैलरी की जो एक पर्टिकुलर सेक्शन में दी गई है. फॉर द पर्पज ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन सैलरी मींस दिस, फॉर द पर्पज ऑफ ग्रेचुटी पर ग्रेचुटी कैलकुलेशन सैलरी मींस दिस, बेसिक सैलरी प्लस वेज दिस डियरनेस अलाउंस. तो कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि सेक्शन 2 का फायदा यह है कि दैट बिकम्स जनरल डेफिनेशन एप्लीकेबल फॉर द होल एक्ट. आप कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम. Anybody interested in asking anything? चलिए, I am moving on further with that. Definitional sections में अभी कुछ और चीज़ें हैं यहाँ discuss करने के लिए. Definitions lawmaker किस प्रकार से लिखता है और उसका मतलब क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है. And I am moving on further with that. मैं आपको थोड़ा सा आगे की तरफ ले जा रहा हूँ, पेज नंबर 12. Page number 12 on the bottom, then we'll come back. Page number 12, 13. Likewise, एक example यहाँ लिया गया है section, page number 12 on the bottom, section 2, clause 42C. शायद आप लोगों को मालूम हो. Anybody remembering that? Section 2, clause 42C क्या है Income Tax Act में? What is that? किस चीज़ की definition है? Now that is a question mark for you. Income Tax Act में section 2, clause 42C किस चीज़ की definition है? चलिए, आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट आंसर बट आई लेट मी टेल इट टू यू. दैट इज स्लम्प सेल. अब क्यों कोई मुझे बताएगा स्लम्प सेल क्या होता है? व्हाट इज स्लम्प सेल? आप लोगों ने कैपिटल गेन्स के चैप्टर में किया होगा शायद. यू मस्ट हैव डन इन द चैप्टर ऑफ कैपिटल गेन्स. व्हाट इज स्लम्प सेल? एनीबडी कैन डिफाइन इन वन लाइन स्लम्प सेल? एक फैक्ट्री बेच रहे हैं, एक अंडरटेकिंग बेच रहे हैं, किस तरीके से बेच रहे हैं? लैंड अलग, बिल्डिंग अलग, प्लांट एंड मशीनरी, देन स्टॉक ऑफ रॉ मेटल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसके साथ जुड़ा हुआ जो पेटेंटेड टेक्निकल नो हाउ है, इंटेंजिबल एसेट्स. चलिए, मेरे पास आंसर आने शुरू हो गए हैं. रोहतक से सोल्ड एज बिजनेस एज अ होल, एंड पानीपत से सेल फॉर लमसम अमाउंट, एक सिंगल अमाउंट. कुरुक्षेत्रा से सेल ऑफ होल डिवीजन, जनकपुरी से सेल ऑफ एन अंडरटेकिंग, सो अलाहाबाद से ट्रांसफर ऑफ द होल एंड द पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी. कुरुक्षेत्रा वंस अगेन रिपीटिंग दैट सेल ऑफ डिवीजन. तो कुल मिलाकर कहानी ये लमसम सेल, हम बोलते हैं स्लम सेल इज द लमसम सेल ऑफ द होल ऑफ द अंडरटेकिंग, लमसम सेल ऑफ द होल ऑफ द डिवीजन, जिसको आइटमाइज्ड सेल नहीं है, जो मतलब हमारी आइटमाइज सेल नहीं है और उस डिवीजन की हम एक एक चीज़ को आइटम को अलग अलग करके वैल्यूएशन करके सेल नहीं कर रहे हैं. मतलब ऐसा नहीं कर रहे कि लैंड की वैल्यू हमने अलग से कैलकुलेट करके बताई है बायर को, या वेल बिल्डिंग की वैल्यू अलग से बताई है, या प्लांट मशीनरी की वैल्यू अलग से बताई है. हाँ, जो सेलर कंपनी है, सेलर कंपनी में भी अपनी खुद के लिए इंटरनल कैलकुलेशन करने के लिए अपनी फैक्ट्री में एक एक चीज़ की वैल्यूएशन अलग अलग करती है, अपनी लैंड के लिए, अपने बिल्डिंग के लिए, या वेल कहना चाहिए प्लांट मशीनरी के लिए, रॉ मेटल या फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन अलग अलग करती है. लेकिन जब सेलर कंपनी बायर को प्राइस कोट करती है तो एक सिंगल प्राइस कोट करती है, लमसम प्राइस, और दैट इज स्लम सेल. तो स्लम सेल इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 42C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. लेकिन अब स्लम सेल को यूज़ किया गया है आगे कैपिटल गेन्स के चैप्टर में रेलिवेंट सेक्शंस में. लेकिन वहाँ पर फिर वो लॉ मेकर मानता है कि जहाँ जहाँ स्लम सेल वर्ड आएगा वहाँ वहाँ आप लोगों को ऑलरेडी पता है पहले से कि स्लम सेल मीन्स एज डिफाइंड इन द सेक्शन 2 क्लॉज 42C. तो डेफिनेशंस का फ़ायदा क्या है? एक बार एक शब्द को डिफाइन कर दो और उसके बाद उस शब्द को बार बार पूरे एक्ट में रिपीट करते रहो, यूज़ करते रहो. लेकिन लॉ मेकर सेक्शन 2 में लिख देता है एक बात, नॉर्मली हमेशा
सेक्शन टू में सारी डेफिनेशंस खत्म करने के बाद लॉ मेकर एक बात लिख देता है कि हाँ ये जो डेफिनेशन सेक्शन टू में दी गई है पूरे एक्ट के लिए एप्लीकेबल है, बट एक बट लगा देता है, और वो बट क्या लगा देता है कि अगर किसी स्पेसिफिक सेक्शन में कहीं कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन किसी चीज़ के लिए दी गई हो तो वही डेफिनेशन वही फ्रेज वहाँ पर अप्लाई कीजिएगा, फिर सेक्शन टू की डेफिनेशन वहाँ पर अप्लाई मत कीजिएगा। तो लॉ मेकर खुद लॉ में लिख देता है कि सेक्शन टू में जो डेफिनेशंस हैं जनरल डेफिनेशंस हैं पूरे एक्ट के लिए एप्लीकेबल हैं, सारे सेक्शंस के लिए एप्लीकेबल हैं, लेकिन फिर भी इसकी एक्सेप्शन है, कहीं किसी सेक्शन में वही शब्द दोबारा से डिफाइंड है जो सेक्शन टू में भी डिफाइंड है लेकिन उस सेक्शन में भी डिफाइंड है और उस सेक्शन के पर्पज़ के लिए डिफाइंड है, तो उस सेक्शन में उस शब्द की जो डेफिनेशन जो परिभाषा वहाँ दी गई है उस सेक्शन के लिए वही परिभाषा का इस्तेमाल आप वहाँ पर करेंगे, और फिर सेक्शन टू में दी गई परिभाषा का इस्तेमाल आप उस पर्टिकुलर सेक्शन में नहीं करेंगे। टेक केयर ऑफ दिस। देन आई मूव ऑन फर्दर। आई विल से लॉ मेकर की आदत है कि डेफिनेशंस को अलग अलग तरीके से लिखने की। कई बार लॉ मेकर डेफिनेशन में लिखता है दिस मीन्स दिस फुल स्टॉप, कई बार दूसरे तरीके से लिखता है सिचुएशन टू दिस इंक्लूड्स दिस 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 फुल स्टॉप, तीसरा तरीका दिस मीन्स दिस एंड इंक्लूड्स दिस फुल स्टॉप। तो लॉ मेकर डेफिनेशन अलग अलग तरीके से लिखता है। फर्स्ट वन जब हम कहते हैं जो पहला तरीका है नाउ दैट इज विजिबल ऑन स्क्रीन दिस मीन्स दिस, अब दिस मीन्स दिस का मतलब जो लिखा है जितना लिखा है उतना ही है, उसमें आप और कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं। द डेफिनेशन इज एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन का मतलब वेल द डेफिनेशन इज नॉट इंक्लूसिव, इसके अंदर अब आप और कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेशन रिस्ट्रिक्टिव है। दूसरा तरीका है जब लॉ मेकर कहता है दिस इंक्लूड्स दिस, तो वहाँ पर हम कहते हैं डेफिनेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टिव नहीं है एंड एट द सेम टाइम डेफिनेशन हैज़ एक्सटेंसिव मीनिंग, इट इज़ कवरिंग अ वेरी लार्ज एरिया। एक्सटेंसिव मीनिंग का मतलब इट इज़ कवरिंग अ वेरी लार्ज एरिया, बट इट इज़ इंक्लूसिव डेफिनेशन, उसमें आप और भी कुछ इंक्लूड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत कुछ लिख दिया है डेफिनेशन में, लेकिन जो जो लिख दिया है उसके अलावा आप और भी कुछ इंक्लूड करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे फैमा के अंदर फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में पर्सन की डेफिनेशन दी गई है। मे बी आई ओपन द फाइल वंस फॉर यू, अभी लिखना नहीं है आपको कुछ भी यहां पर, नथिंग यू हैव टू राइट डाउन रियली अबाउट दिस। आई एम टिपिकली टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशंस इन द फैमा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड द डेफिनेशंस विच आर गिवन ओवर देयर। हाँ जी, नाउ द डेफिनेशन ऑफ पर्सन इन फेमा ओवर देयर, और पहला जो शब्द है सबसे पहला जो शब्द है द वेरी फर्स्ट वर्ड दैट इज पर्सन इंक्लूड्स, द पर्सन इंक्लूड्स, नाउ इज इट विजिबल नाउ टू एवरीबडी, तो पर्सन इंक्लूड्स। नाउ पर्सन इंक्लूड्स क्या, नंबर वन इंडिविजुअल, नंबर टू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इंडिविजुअल का मतलब नेचुरल पर्सन, आप मैं हम लोग, देन एच यू एफ, देन कंपनी, देन अ पार्टनरशिप फर्म, देन वी टॉक अबाउट ए ओ पी बी ओ आई एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, फॉर एग्जाम्पल अ ट्रस्ट, फॉर एग्जाम्पल अ सोसाइटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन पॉइंट नंबर सिक्स में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। नाउ दीज आर द वर्ड्स, आई से दीज इंस्टीट्यूट्स आर ऑल्सो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स अंडर देयर ओन एक्ट, खुद का स्टैचूट है, स्टैचूटरी कॉरपोरेशन है। देन वी से एनी एजेंसी ऑफिसर ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सच पर्सन एज गिवन अबव इन द पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, सात पॉइंट आपको दिए डेफिनेशन में, लेकिन शुरू कहाँ से किया, सबसे ऊपर कहाँ से शुरू किया, पर्सन इंक्लूड्स। नाउ इंक्लूड्स का मतलब द डेफिनेशन इज इंक्लूसिव।
over there. So person includes an individual, HUF, company, firm, etc., etc., etc. Now when I'm talking about that, to kul milakar kahani itni hai yahan par ki डेफिनेशन इज इंक्लूसिव और जो सात दिख रहे हैं वो सातों तो पर्सन हैं लेकिन उन सातों के अलावा कोई आठवां भी पर्सन हो सकता है, कोई नौवां भी पर्सन हो सकता है. देयर मे बी सम सेवंथ एट नाइन टेंथ पर्सन ऑल्सो मे बी अ पर्सन ऑल्सो एट द सेम टाइम. सो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस आई से पर्सन इंक्लूड्स, तो डेफिनेशन इज इंक्लूसिव मतलब कुल मिलाकर कहानी वही है, जो सातों दिख रहे हैं वो सातों भी पर्सन हैं और कोई आठवां नौवां भी आप इंक्लूड करना चाहें तो कर सकते हैं. डेफिनेशन इज इंक्लूसिव. नीचे जो तीसरा दिया गया है दैट इज द पर्सन मीन्स दिस एंड इंक्लूड्स दिस, मतलब कोई भी शब्द है सो एंड सो वर्ड मीन्स दिस एंड इंक्लूड्स दिस. तो लॉ मेकर ने डेफिनेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिखा, फर्स्ट पार्ट मीन्स सेकेंड पार्ट इंक्लूड्स. तो अब डेफिनेशन क्या है, इंक्लूसिव है या एग्जॉस्टिव है, आप मुझे सोच समझ के बताइएगा, अपने आप खुद सोच समझ के बताइएगा डेफिनेशन इंक्लूसिव है या एग्जॉस्टिव है. डेफिनेशन में लिखा हुआ है सो एंड सो वर्ड मीन्स दिस एंड इंक्लूड्स दिस, तो अभी वो डेफिनेशन क्या है, इंक्लूसिव या एग्जॉस्टिव, व्हाट इज दैट. जनकपुरी से इज एग्जॉस्टिव, मोदीनगर से इज एग्जॉस्टिव, रोहतक से इज इंक्लूसिव, बरेली से इज एग्जॉस्टिव, आगरा से इज इंक्लूसिव. अगर डेफिनेशन में लिखा हुआ है दिस वर्ड मीन्स दिस एंड इंक्लूड्स दिस ऑल्सो, अलाहाबाद से इज एग्जॉस्टिव, पठानकोट से इज एग्जॉस्टिव, हनुमानगढ़ से इज इंक्लूसिव, जनकपुरी वंस अगेन कन्फर्मिंग एग्जॉस्टिव, अलवर से इज एग्जॉस्टिव, कुरुक्षेत्रा से इज एग्जॉस्टिव. चलिए मेजॉरिटी ओपिनियन कहता है एग्जॉस्टिव, कुछ लोग कहते हैं इंक्लूसिव. अब मैं कहूंगा कि अगर मैं इंस्टीट्यूट की बुक रेफर करता हूं तो यस एज पर द वेल बुक ऑफ द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया, उसमें लिखा हुआ है एग्जॉस्टिव, आई डू एग्री विद दैट. लेकिन 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 मैं देखता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर मैं फैमा ही उठाकर देखता हूँ, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की एक डेफिनेशन है फैमा में, और उसमें लिखा हुआ है वेल करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मीन्स सो एंड सो एंड इंक्लूड्स सो एंड सो, फोर ट्रांजेक्शन्स आर गिवन इन द करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन. आपको अभी क्योंकि फैमा की बात हो रही थी, एक बार फैमा फिर से दिखा देता हूँ. तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स की एक डेफिनेशन दी हुई है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मीन्स सो एंड सो एंड इंक्लूड सो एंड सो. और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन भी एग्जाम में चार बार आ चुका है पहले, पास्ट में इट हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन द एग्जाम. तो उसको पढ़कर क्या लगता है कि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में जो लिखी हैं चार ट्रांजेक्शंस दी हैं वही चार हैं या कुछ और भी इंक्लूड कर सकते हैं, या ओनली दोज फोर, ओनली करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मीन्स दिस एंड इंक्लूड्स दिस. वो जो मीन्स वाला पार्ट है क्या उसमें और भी कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मीन्स सो एंड सो एंड इंक्लूड सो एंड सो, तो क्या उसके अंदर जो मीन्स पार्ट है उसमें और भी कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, येस और नो. हाउ मेनी थिंग येस, मीन्स वाले पार्ट में जहाँ लिखा है मीन्स एवरी ट्रांजेक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन इज ऑटोमेटिकली करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, फैमा में लिखा हुआ है इस तरीके से, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मीन्स एवरी ट्रांजेक्शन विच इज नॉट अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन इज ऑटोमेटिकली करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग फोर. तो जो मीन्स वाला पार्ट है क्या उसमें और कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, और भी इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, येस और नो. फरीदाबाद कहता है और भी इंक्लूड कर सकते हैं, फरीदाबाद द्वारका ऑल्सो सेज और भी इंक्लूड कर सकते हैं इंक्लूसिव, पठानकोट सेज येस इंक्लूड कर सकते हैं, अलवर कहता है नो इंक्लूड नहीं कर सकते, मीन्स पार्ट में और कुछ भी इंक्लूड नहीं कर सकते, द्वारका सेज येस, जनकपुरी सेज येस, फरीदाबाद न्यू सेज नो, वेल आगरा सेज येस, रोहतक सेज येस, जनकपुरी वंस अगेन कन्फर्मिंग येस, बरेली सेज नो, अलाहाबाद कहता है सर मीन्स पार्ट में नहीं लेकिन इंक्लूड्स पार्ट में तो इंक्लूड कर ही सकते हैं. लेकिन कुल मिलाकर मान रहे हैं कि येस इंक्लूड कर सकते हैं वन वे और द अदर वे. मेजॉरिटी का ओपिनियन है कि इंक्लूड कर सकते हैं इसमें और चीज़ें, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इंक्लूड नहीं कर सकते. लेकिन हम इस चैप्टर में देखेंगे, फैमा के चैप्टर में आगे बढ़ेंगे. तो सेक्शन 5 है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, और सेक्शन 5 के साथ जो जुड़े हुए रूल्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बनाए हैं उसमें लगभग 28-29 ट्रांजेक्शंस की एक लिस्ट दी हुई है विच आर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस, रूल्स मेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. नाउ द पॉइंट इज कि फिर मैं क्या समझूँ इससे,
मैं क्या समझूं इससे कि फिर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में जो चार चीज़ें यहाँ डेफिनेशन में लिखी हैं सेक्शन टू में वही हैं, या उन चार चीज़ों के अलावा और भी पॉइंट इंक्लूड कर लूँ जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बोला कि ये भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स हैं? सो व्हाट इज़ द फाइनल ओपिनियन अबाउट दिस? व्हाट इज़ द फाइनल ओपिनियन, येस और नो? कि जो डेफिनेशन आपके सामने है और दिया गया है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मीन्स सो एंड सो, इंक्लूड्स सो एंड सो, और चार पॉइंट लिखकर छोड़ दिए हैं, क्या इसमें कोई पांचवा पॉइंट इंक्लूड हो सकता है? येस और नो? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। क्या इसमें अब क्या कहें फाइनली? सिर्फ इतना ही बता दीजिए, डेफिनेशन को क्या मानूं, इंक्लूसिव या एग्जॉस्टिव? सो आई हैव ऑलरेडी गॉट फोर फाइव आंसर्स। जनकपुरी येस, कुरुक्षेत्रा येस, गुवाहाटी येस एंड इंक्लूसिव। वेल, फरीदाबाद से इज इंक्लूसिव, रोहतक से इज इंक्लूसिव, हनुमानगढ़ से इज इंक्लूसिव। अब सबका आंसर एक जैसा ही आ रहा है। नाउ द आंसर इज यूनानिमस, इंक्लूसिव। तो अब फाइनली अब सवाल यही है आपके लिए, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि डेफिनेशन में लिखा है दिस मीन्स दिस एंड इंक्लूड्स दिस, तो आप क्या लिखेंगे? डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है या इंक्लूसिव है? व्हाट आर यू गोइंग टू राइट डाउन? मैं तो कहूंगा आप एग्जाम में लिख कर आइए डेफिनेशन इज इंक्लूसिव, और साथ में करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल देकर आइए। मतलब आई विल रिकमेंड दैट वे, एंड आई एम गोइंग अगेंस्ट माई ओन नोट्स। हालांकि मैंने नोट्स में लिखा है डेफिनेशन इज एग्जॉस्टिव, बट आई एम रिकमेंडिंग यू पीपल, और मैंने मजबूरी में लिखा है, मजबूरी वश लिखा है, क्योंकि क्योंकि ICAI मॉड्यूल में लिखा हुआ है एग्जॉस्टिव। एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू इफ यू कैन कम्युनिकेट द सेम टू द इंस्टीट्यूट ऑल्सो। तो फिलहाल तो इतना ही कहूँगा, डेफिनेशन इज मेरे हिसाब से डेफिनेशन इज इंक्लूसिव, द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट, द करेक्ट इंटरप्रिटेशन। अच्छा, जो ऊपर कुछ छूट गया था अभी उसमें वापस जाते हैं। लॉ मेकर जब लॉ में सेक्शंस लिखता है तो उन सेक्शंस को चैप्टर्स में डिवाइड कर देता है। अब कंपनीज एक्ट के बारे में एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं कंपनीज एक्ट 2013, तो उसको 29 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। इट इज़ डिवाइडेड इन द 29 चैप्टर्स, और चैप्टर्स के ऊपर हेडिंग्स भी बनाकर दे दी गई हैं। चैप्टर्स की हेडिंग्स बनाकर दे दी हैं, जहाँ इनकॉर्पोरेशन है तो इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के सेक्शन से डील कर रहे हैं तो इनकॉर्पोरेशन है, चार्जेस से डील करते हैं तो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस हेडिंग बनाकर दे दी है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स है, इन्विटेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, सेक्शन 73, 74, 75, 76 डीलिंग विद द डिपॉजिट्स, तो उससे पहले वो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स हेडिंग बनाकर दे दी है। तो चैप्टर्स की हेडिंग से आइडिया हो जाता है कि आने वाले जो चार सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं उसमें हमें क्या मिलेगा, थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं अगर हम, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द कॉर्पोरेट लॉ इन द CA फाइनल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही लॉ मेकर ने तीन चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13। चैप्टर 11 में कहते हैं अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स, चैप्टर 11 जो सेक्शन 149 से शुरू हो जाता है। तो वेल, चैप्टर 11 इज देयर, देन चैप्टर 12 है, तो चैप्टर 12 में मीटिंग्स मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड पावर्स एंड देयर पावर्स, सेक्शन 173 से स्टार्ट हो जाता है, दैट इज मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर पावर्स। लास्ट में फिर जाते हैं तो वो अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ मैनेजीरियल पर्सन के बारे में बात करते हैं टुवर्ड्स द एंड पार्ट, चैप्टर 13। तो चैप्टर 11 ऑफ कंपनीज एक्ट अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चैप्टर 12 ऑफ कंपनीज एक्ट दैट इज I'll say that is a meeting of board and powers. Chapter 13 of the Companies Act that is, well, we say appointment and remuneration of the managerial person, या जिसमें KMP बहुत फेमस टॉपिक हो गया अभी आज की तारीख में, दैट इज की मैनेजरियल पर्सन। तो कंपनीज एक्ट डिवाइडेड इन टू वेरियस चैप्टर्स, एंड इन फैक्ट दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चैप्टर में आप लोग देखेंगे बहुत जल्दी, इट इज़ डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, चैप्टर 12, चैप्टर 11, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13 ओवर देयर। सर, मोदी नगर ने क्वेश्चन पूछा, सर अगर हम गलत आंसर लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे क्या? तो मैं कहूँगा अब आप अपने दिल पे हाथ रख कर सोचिए कि आपको क्या लिखना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि आप सही आंसर लिखिए, टेक्निकली सही आंसर एग्जाम्पल के साथ लिखिए, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मीन्स एंड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स दैट लॉ मेकर हैज़ गिवन फोर पॉइंट्स बट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज़ गिवन 28, 29 मोर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस, तो डेफिनेशन इज इंक्लूसिव। आई विल रिकमेंड कि आंसर सही लिख कर आइए। तो हेडिंग, क्या हेडिंग से भी पता चलता है कि हम आने वाले सेक्शंस में क्या पढ़ने वाले हैं? तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, हेडिंग एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर, एंड दैट इज
सेक्शन सेक्शन को तो आप बाद में पढ़ेंगे, सेक्शन का टाइटल तो आप बाद में पढ़ेंगे, लेकिन वेल सेक्शन जिस चैप्टर में है उस चैप्टर का टाइटल आप पहले पढ़ेंगे एंड देन यूज़ दैट वन. लेकिन इस चैप्टर टाइटल को क्या इंटरप्रिटेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ये एक सवाल है. क्या चैप्टर, जैसे हम कॉफे पोसा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट, एक्ट के टाइटल को हम यूज़ कर रहे थे फॉर द पर्पज ऑफ इंटरप्रिटेशन की लॉ मेकर ने वो लॉ आखिर क्यों लिखा है, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़, तो क्या चैप्टर के टाइटल को भी इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ करना चाहिए, येस और नो? अब इसमें मैं कहूँगा इंडिया में दो एक्सपर्ट ग्रुप्स हैं, दो प्रकार के इंटेलिजेंट लोग हैं. पहले वो जो कहते हैं कि नहीं इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, दिस शेल नॉट बी यूज, वाइल वन सेक्शन ऑफ एक्सपर्ट सेज इट शेल नॉट बी यूज, अदर सेक्शन ऑफ एक्सपर्ट सेज इट शेल बी यूज. अब दो प्रकार के एक्सपर्ट हैं. पहला, पहले वो लोग हैं जो कहते हैं कि यूज़ नहीं करना चाहिए, और यूज़ तब करो अगर आपको सेक्शन पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, अगर सेक्शन की लैंग्वेज में कोई एम्बिग्यूटी हो, सेक्शन की लैंग्वेज में कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप चैप्टर के टाइटल को रेफ़र करो, अदरवाइज आप चैप्टर के टाइटल को रेफ़र मत करो. जबकि दूसरा जो सेक्शन है एक्सपर्ट का, वो कहता है चैप्टर के टाइटल को हमेशा रेफ़र करो, उससे आइडिया लो कि ये चैप्टर आखिर क्यों बनाया गया है. तो अभी इसमें मैं कहूँगा कोई 100% यूनानिमस ओपिनियन इंडिया में नहीं है. दो प्रकार के लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वेल आल से लॉयर कम्युनिटी में भी, एडवोकेट कम्युनिटी में, और कुछ लोग कहते हैं कि हमेशा रेफ़र करो और कुछ एडवोकेट्स कहते हैं कि हमेशा रेफ़र मत करो, तभी रेफ़र करो जब सेक्शन पढ़ते हुए उसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी हो. देन गोइंग ऑन फर्दर, मार्जिनल नोट्स 3 times ऑलरेडी इन द एग्जाम, 3 बार आ चुका है. मार्जिनल नोट क्या होते हैं फ्रेंड्स? सेक्शन के नीचे बॉटम पे कई बार बहुत छोटे छोटे फॉन्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है. अगर आपने कभी मार्केट से बेरेक्ट परचेज किया है, चाहे इनकम टैक्स एक्ट का, चाहे कंपनीज एक्ट का, चाहे और कोई बेरेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के लिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के लिए, तो होता क्या, ऊपर रेगुलर फॉन्ट में, नॉर्मल फॉन्ट में सेक्शंस लिखे होते हैं, और नीचे बॉटम ऑफ द पेज पे एक लाइन के नीचे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है. कभी किसी ने देखी है, कभी किसी ने नोटिस किया है किसी भी एक्ट में? कभी, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ उसमें क्या लिखा होता है, लेकिन कभी नोटिस किया कि हाँ कुछ होता है बिलो द लाइन? सो जनकपुरी गिव्स द आंसर, यस, हाँ सर नोटिस किया है. फरीदाबाद ऑल्सो सेज यस. उसमें क्या लिखा होता है, कई बार तो फॉर्म नंबर्स लिखे होते हैं, मतलब ऊपर जो आप मेन सेक्शन पढ़ रहे हैं उसके साथ जो नीचे कनेक्ट, वेल उसके साथ जो कनेक्टेड रेलिवेंट फॉर्म नंबर है सेक्शन में नहीं दिया हुआ है, तो नीचे अब मार्जिनल नोट्स में नीचे बॉटम पे दिया हुआ है. कई बार क्या होता है, ऊपर किसी सेक्शन में, सब सेक्शन में कोई अमेंडमेंट आई, कोई सबसेक्शन 2 रिप्लेस हो गया, चेंज हो गया, पुराना सबसेक्शन 2 जो था वो हटा दिया गया, उसकी जगह पर नया सबसेक्शन 2 आ गया किसी सेक्शन में, तो जो नया सेक्शन, जो नया सबसेक्शन 2 है वो तो मेन बॉडी में ऊपर सेक्शन में नज़र आ रहा है, लेकिन उसके साथ जो सबसेक्शन 2, जो पुराना वाला जो डिलीट हो गया, ऑमिट हो गया, जिसकी रिप्लेसमेंट में नया वाला है, वो जो पुराना वाला सबसेक्शन 2 है वो बिलो द लाइन नीचे दिया हुआ है इन द वेरी स्मॉल फॉन्ट इन द मार्जिनल नोट्स. उसको पढ़कर क्या पता चलेगा, मतलब उससे क्या हेल्प मिलेगी, आपको क्या लगता है क्या क्या मदद मिलेगी उसके बाद? मतलब नया वाला सबसेक्शन 2 हमारे सामने है, वही पढ़ो. जो पुराना वाला सबसेक्शन 2 डिलीट हो गया वो बिलो द लाइन नीचे क्यों दिया हुआ है, उसको पढ़ने से हमें क्या फायदा, इंटरप्रिटेशन करने में हमें क्या फायदा? कोई एक शब्द में बता सकता है क्या फायदा होगा, इन वन वर्ड? पुराना सबसेक्शन 2 भी पढ़ रहे हैं, नया सबसेक्शन 2 भी पढ़ रहे हैं जो अभी आ गया है, तो उससे हमें क्या आइडिया मिलेगा? जनकपुरी से आंसर आया है, सर पर्पस ऑफ नया सबसेक्शन क्या है, न्यू सबसेक्शन का पर्पस पता चलेगा? या मोदी नगर से आंसर आया है कि सर रीजन बिहाइंड द डिलीशन पता चलेगा, रीजन समझ में आएगा. गुवाहाटी कहता है डू नॉट इग्नोर द चेंज. वेल आल से फरीदाबाद से आंसर आया, सर कंपैरिजन पता चलेगा कि पुराना क्या था नया क्या है. इलाहाबाद से आंसर आया, सर वी ओनली नो द बेस, हमें बेस पता चलेगा कि पहले क्या था अभी क्या है. पानीपत से, बरेली से आंसर आया, सर पर्पस ऑफ चेंज पता चलेगा. पानीपत से भी आंसर आया, सर मिसचीफ पता चलेगा कि कौन सा मिसचीफ हो रहा होगा जिसको रोकने के लिए नया सबसेक्शन बनाया होगा. आई एम रियली हैप्पी, दैट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर दिए आप लोगों ने. ऑलमोस्ट सब लोग कहना एक ही बात चाहते हैं, हालांकि शब्द अलग अलग यूज़ कर रहे हैं आप लोग. तो फाइनली आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मार्जिनल नोट्स को क्या इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, येस और नो? येस और नो में आंसर देना है. मार्जिनल नोट्स का पढ़ने का क्या कोई फायदा है, क्या उसको इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ करना चाहिए, येस और नो?
जो चीज़ डिलीट हो चुकी, जा चुकी, ख़त्म हो चुकी, क्या उसको भी इंटरप्रिटेशन करने के लिए यूज़ करना चाहिए? फरीदाबाद से इज येस, द्वारका से इज येस, जनकपुरी से इज येस, पानीपत से इज नो ओवर देयर, तो आई गेट 3 yes 1 no, कुरुक्षेत्रा से इज येस, आगरा से इज येस, हनुमानगढ़ ऑल्सो से इज येस, मेजॉरिटी से इज येस, पानीपत से इज नो, एंड आई टेल यू वन थिंग, जो केस आपके सामने स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है, CIT वर्सेस अहमद भाई, उमर भाई एंड कंपनी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा मार्जिनल नोट्स को इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ ना करें। आज की तारीख में जो लिखा है उसी को पढ़ें और उसी को इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ करें। मार्जिनल नोट्स को नॉर्मली इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ ना करें, लेकिन उसकी एक एक्सेप्शन है और वो है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल नंबर है, सेक्शन नंबर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में Article 1, Article 2, Article 3 एंड सो ऑन। Article 14 शायद आप लोगों ने सुना हो, राइट ऑफ इक्वालिटी, Article 14। Article 19 में बहुत सारे राइट्स मिलते हैं, जिसमें एक है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड सो मेनी अदर थिंग्स, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। तो Article 21 राइट ऑफ लिबर्टी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल्स दिए हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी कुछ 98 अमेंडमेंट्स अप्रॉक्सीमेटली हुई हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है 98-99 अमेंडमेंट्स हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी, टाइम टू टाइम सिंस दैट, आल से पहली बार जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया था वहाँ से लेकर आज तक। तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो नीचे मार्जिनल नोट्स दिए गए हैं उसको ज़रूर आप रेफर करें इंटरप्रिटेशन के लिए, कि ऊपर जो नया आर्टिकल आया है उससे पहले पुराना आर्टिकल क्या था। उसके अलावा ऑल ओवर इंडिया अदरवाइज किसी और एक्ट में आप मार्जिनल नोट्स का इस्तेमाल ना करें, और कोर्ट में खड़े होकर अगर आप मार्जिनल नोट्स के बेस पे कोई आर्ग्यूमेंट देंगे तो कोर्ट उस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जो मेन सेक्शन में ऊपर लिखा है उसी को पढ़ें। लेकिन दोस्तों हम लोगों की बुरी आदत है, मार्जिनल नोट्स पढ़ते हैं फिर हम कंपैरिजन करते हैं, मिसचीफ रूल अप्लाई करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन आपको मालूम है मिसचीफ रूल तभी अप्लाई करना चाहिए जब लैंग्वेज एम्बिगुअस हो, नॉर्मली मिसचीफ रूल अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाकर हालांकि मेजॉरिटी कहती है यस सर पढ़िए, इसको यूज़ कीजिए, और मेजॉरिटी कंपनी सेक्रेटरीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, रादर एडवोकेट्स भी पढ़ते ही हैं, मार्जिनल नोट्स को रेफर करते हैं। लेकिन कोर्ट में आर्ग्यूमेंट देते समय मार्जिनल नोट्स को अपने आर्ग्यूमेंट्स में कभी यूज़ मत कीजिए, डोंट यूज़ दैट। कोर्ट या जज मार्जिनल नोट्स को इंटरप्रिटेशन में कभी कंसिडर नहीं करेगा, एक्सेप्ट ओनली वन प्लेस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वेल नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इलस्ट्रेशंस। अब इलस्ट्रेशंस के लिए आई विल लाइक टू से वन थिंग, कंपनीज एक्ट 1956 में, पूरे कंपनीज एक्ट 1956 में, जो ओल्ड एक्ट अभी डिलीट हो गया या एबॉलिश हो गया, लेकिन पूरा एबॉलिश नहीं हुआ क्योंकि ओल्ड कंपनीज एक्ट के वो सेक्शन अभी भी इंडिया में चल रहे हैं जिनके रिप्लेसमेंट न्यू सेक्शंस कंपनीज एक्ट 2013 के अभी इंडिया में एनफोर्स नहीं हुए हैं। तो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट एज पर द ओल्ड कंपनीज एक्ट चल रहा है, वाइंडिंग अप एज पर द ओल्ड कंपनीज एक्ट चल रहा है, अमलगमेशन एज पर द ओल्ड कंपनीज एक्ट इंडिया में अभी भी चल रहा है। तो वाइंडिंग अप का सिर्फ एक एग्जाम्पल लूँगा यहाँ पर। पूरे कंपनीज एक्ट में, ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 में सिर्फ इकलौता सेक्शन 529, जिसमें एक इलस्ट्रेशन देकर बताया गया था कि अगर कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज है, मॉर्गेज है इन द फेवर ऑफ लेंडिंग बैंक्स, लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, तो उसमें से उनको एक पार्ट, एक पोर्शन प्रोपोर्शनेटली वेव ऑफ करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा इन द फेवर ऑफ आउटस्टैंडिंग वर्कमैन ड्यूज। और उसका बंटवारा कैसे होगा, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के साथ एक इलस्ट्रेशन, एक एग्जांपल दिया गया है। तो नॉर्मली मैंने देखा है कि कंपनीज एक्ट में और न्यू कंपनीज एक्ट में भी कहीं कोई इलस्ट्रेशन तो नहीं दी हुई है, दे हैव नॉट गिवन। लेकिन ऐसा लगता है कई बार कि इलस्ट्रेशंस हों तो लॉ पढ़ना कितना आसान हो जाए, तो कितना अच्छा लगेगा कि लॉ मेकर ने हर सेक्शन के साथ उसकी इलस्ट्रेशंस बनाकर, कुछ फिक्टिशियस प्रॉब्लम बनाकर उसका फिक्टिशियस आंसर साथ में दिया हुआ है, फिक्टिशियस प्रॉब्लम बनाकर उसका लीगल आंसर साथ में दिया हुआ है। प्रॉब्लम फिक्टिशियस है लेकिन उसका आंसर जो है वो लीगल आंसर है, और हमें कितना, हमारे लिए कितनी आसानी हो जाएगी, हम सब लोगों के लिए लॉ को पढ़ना, सेक्शन को पढ़ना, अगर हर सेक्शन के नीचे उसकी 1, 2, 3 इलस्ट्रेशंस हों तो इट विल बी सो ईजी फॉर वी पीपल टू रीड द लॉ। और कई बार ऐसा लगता है कि अगर हम पुराना कोई लॉ उठाकर देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठाकर देखते हैं, या अगर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट उठाकर देखते हैं, तो ब्रिटिशर्स की ये हैबिट थी कि सेक्शंस बनाते थे तो सेक्शंस के नीचे उसकी इलस्ट्रेशंस बनाते थे, और इसलिए लॉ पढ़ना कंफर्टेबल हो जाता था, दैट वाज रियली वेरी गुड ओवर देयर। आजकल लॉ मेकर की थोड़ी सी हैबिट कम हो गई है, शायद लॉ मेकर ये प्रज्यूम करता है कि अब लोग ज़्यादा समझदार हो गए हैं, उस ज़माने में लोगों को लॉ पढ़ना नहीं आता था तो इलस्ट्रेशंस की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती थी, आजकल इलस्ट्रेशंस की ज़रूरत शायद उतनी नहीं पड़ती है। देन गोइंग ऑन फर्दर विद दैट, आई विल से पेज नंबर 13 ऑन द बॉटम, पेज नंबर 13 ऑन द बॉटम, व्हेन आई एम सेइंग प्रोविजो,
प्रोवाइजो लॉ मेकर लॉ में क्यों लिखता है? जब लॉ मेकर लिखता है प्रोवाइडेड दैट, तो लॉ मेकर प्रोवाइजो लॉ में क्यों लिखता है? आज की तारीख में मैं अभी फिलहाल सिर्फ इतना ही बोलूँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। नॉर्मली हम देखते हैं कि लॉ मेकर लॉ में प्रोवाइजो तीन कारणों की वजह से लिखता है, तीन रीज़न होते हैं। प्रोवाइजो लिखने के तरीके क्या होते हैं ये भी देख लें एक बार, फिर मैं आगे बात करता हूँ प्रोवाइजो किस तरीके से लिखा जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर सेक्शन है, सेक्शन 139, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, और उसमें लॉ मेकर ने कुछ बातें लिखी हैं रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, और उसके नीचे नीचे मान लीजिए अब जहां वो मेन बॉडी खत्म होती है उसके नीचे आ जाता है प्रोवाइडेड दैट फिर वो प्रोवाइडेड दैट खत्म होता है तो आ जाता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट प्रोवाइडेड फर्दर दैट प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। तो अलग अलग चीजें इस तरीके से लिखेंगे। ये जो प्रोवाइडेड दैट है इसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट को कहते हैं सेकेंड प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट को कहते हैं थर्ड प्रोवाइजो। दैट इज हाउ इट इज। या मैं इतना दूर भी ना जाऊं, अगर मैं और एग्जाम्पल लेना चाहूं, मतलब कई जगह आपको देखने के लिए मिलेगा, सेक्शन 3 ले लेते हैं, तो सेक्शन 3 जहां फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की बात हो रही है रादर, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, तो ऊपर जो है वो क्या है दोस्तों, ऊपर जो है वो है मेन बॉडी और नीचे बनाए हैं प्रोवाइजो। अब प्रोवाइजो क्यों बनाए जाते हैं, ये प्रोवाइजो बनाने के पीछे पर्पस क्या है? वंस अगेन आई रिपीट दैट, प्रोवाइडेड दैट फर्स्ट प्रोवाइजो लॉ मेकर का लिखने का तरीका है। जब लिखता है प्रोवाइडेड दैट तो हम कहते हैं वो फर्स्ट प्रोवाइजो है, जब लॉ मेकर लिखता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट तो सेकंड प्रोवाइजो है, थर्ड प्रोवाइजो लिखता है तो प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, अगर इसके नीचे चौथा प्रोवाइजो होता तो वो भी प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, फिर आगे प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट ही चलेगा, फिर चेंज नहीं होगा। लेकिन प्रोवाइजो क्यों, प्रोवाइजो क्यों? या तो प्रोवाइजो मेन बॉडी के नीचे कोई एक्सेप्शन क्रिएट करने के लिए बनाया जाता है, टू क्रिएट एक्सेप्शंस इन मेन बॉडी, कि मेन बॉडी में ऊपर कुछ लिखा है उसकी एक्सेप्शंस बनानी है, मेन बॉडी ऑफ द सेक्शन। दूसरा है प्रोवाइजो क्यों बनाया जाता है, प्रोवाइजो इज क्रिएटेड फॉर एडिशनल कंडीशंस, फॉर इंपोजिंग एडिशनल कंडीशंस, और तीसरा है प्रोवाइजो क्यों बनाया जाता है, प्रोवाइजो इज फॉर क्रिएटिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट एट टाइम्स, फॉर इलेबोरेटिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट। सेक्शन 3 में ही बात कर लेते हैं, तो सेक्शन 3 में सब सेक्शन 1 में लास्ट में वो जो फिफ्थ प्रोवाइजो है, दैट इज न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ओपीसी, वन पर्सन कंपनी को इलेबोरेट करने के लिए बना दिया गया है इन द सेक्शन 3 सब सेक्शन 1। तो प्रोवाइजो का एक पर्पज है टू क्रिएट द एक्सेप्शंस, दूसरा पर्पज है टू क्रिएट द एडिशनल कंडीशंस, मतलब मेन बॉडी में कुछ कंडीशंस दी गई हैं, मेन बॉडी में कुछ कंडीशंस दी गई हैं और उसमें कुछ कंडीशंस ऐड करनी है तो वो प्रोवाइजो में ऐड कर दी जाती हैं।
यहाँ पर मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें आप देखोगे मेन बॉडी में कुछ कंडीशंस हैं और फिर नीचे प्रोविजो में कंडीशंस ऐड हो रही हैं, तो इट हैपन्स कि मेन बॉडी की कंडीशंस के साथ प्रोविजो कुछ कंडीशंस ऐड कर रहा है. और ये तो हम नॉर्मली एक्सेप्शंस वाला केस तो हम नॉर्मली देखते हैं कि मेन बॉडी में जो ऊपर लिखा है उसकी एक्सेप्शंस उसके नीचे प्रोविजो में क्रिएट की जा रही हैं. अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस सेक्शन में प्रोविजो एक्सेप्शंस क्रिएट करने के लिए है, किस सेक्शन में प्रोविजो एडिशनल कंडीशंस क्रिएट करने के लिए, और किस सेक्शन में प्रोविजो कुछ चीज़ों को एलैबोरेट करने के लिए, एलैबोरेटिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट और व्हाटएवर. ये तो दोस्तों जब हम सेक्शन पढ़ते हैं उसके साथ प्रोविजो पढ़ते हैं तभी पता चल सकता है, वरना पता नहीं चल सकता. ये तो हमें उसकी सेंस असर्टेन करनी पड़ती है, पढ़कर इंटरप्रेट करना पड़ता है, सीधा सीधा बोलेंगे इंटरप्रेट करना पड़ता है कि लॉ मेकर ने आखिर प्रोविजो क्यों बनाया. कुछ लोग कई बार कन्फ्यूज रहते हैं, मैंने देखा कि प्रोविजो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शंस क्रिएट करने के लिए होता है और किसी काम के लिए नहीं होता, तो ऐसा नहीं है. प्रोविजो एक्सेप्शंस क्रिएट करने के अलावा भी दूसरे कामों के लिए भी होता है, एडिशनल कंडीशंस लगाने के लिए भी होता है और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स एलैबोरेट करने के लिए भी होता है. सो आई विल से दैट इज ऑल अबाउट प्रोविजो. November 11 exams, the question came in regarding that proviso. Explanation, lawmaker की आदत है. Well, जहाँ कुछ complicated concept लिखा होता है तो उसकी उसी section में उसकी explanation साथ में जोड़ दी जाती है. That is very, very much a habit of the lawmaker. बहुत सारे सेक्शंस में आपको कंपनीज एक्ट में भी देखने के लिए मिलेगा, इनफैक्ट न्यू कंपनीज एक्ट में भी आपको जगह जगह देखने के लिए मिलेगा कि लॉ मेकर जो मेन बॉडी में लिखता है उसके साथ उसकी एक्सप्लेनेशन ऐड कर देता है. एंड आल से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आप बहुत सारे सेक्शंस में देखेंगे कि सेक्शन चल रहा है और सेक्शन के अंदर उसके साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशंस भी चल रही हैं, शेड्यूल्स में भी एक्सप्लेनेशन साथ में दी होती हैं. सो इट इज़ अ वेरी रेगुलर थिंग, नथिंग टू बी एक्सप्लेन इन दिस. शेड्यूल्स सभी एक्ट्स में कुछ ना कुछ शेड्यूल्स नॉर्मली रहते हैं. कंपनीज एक्ट 2013 हैज़ हाउ मेनी शेड्यूल्स, Anybody remembering this? Companies Act 2013 has how many schedules? 5 schedules? 6 schedules? 7 schedules? 8 schedules? How many schedules? चलिए मेरे पास आंसर आ गया फटाफट. पठानकोट, जनकपुरी, अलवर, पानीपत, बरेली, everybody saying 777. Thank you so much. So it is confirmed that Companies Act 2013 has 7 schedules. Schedules का क्या फायदा? Schedules से हमें law पढ़ने में क्या मदद मिलती है? क्या क्या फायदा होता है? What is the use of reading those schedules? हाँ जी, can I say one thing कि schedule refers, कहीं ना कहीं schedule किसी ना किसी section के साथ connected होता है. Law maker एक चीज़ section में पूरा elaborate करके नहीं लिख पाता है तो उसके लिए वो schedule को refer कर देता है, और कई बार दो या दो से ज़्यादा sections किसी schedule को refer करते हैं तो schedule एक जगह लिखा हुआ रहता है तो that is very comfortable for referring the schedule again and again. For example, if I'm talking about the appointment of managing director, appointment of whole time director, appointment of the manager in the Companies Act 2013, तो जो base section है section 196 for the appointments, that refers to schedule 5, कि schedule 5 refer कीजिए अगर आप appoint करना चाहते हैं without CG approval. And section 197, the remuneration of managerial person, remuneration of board of directors, तो सेक्शन 197 आल्सो रेफर्स शेड्यूल 5, कि शेड्यूल 5 में रेमुनरेशन पार्ट में जो चीज़ें दी गई हैं उनको भी ध्यान में रखिए. तो सेक्शन 196 आल्सो रेफर्स टू शेड्यूल 5 फॉर अपॉइंटमेंट, 197 रेफर्स टू शेड्यूल 5 फॉर रेमुनरेशन. तो शेड्यूल 5 एक है लेकिन दो अलग अलग सेक्शंस उसको रेफर करते हैं कि शेड्यूल 5 रेफर कीजिए. वेल दैट इज समथिंग द बेस फॉर सेक्शन 196 197, उसके पीछे जो छुपा हुआ बेस है. तो और शेड्यूल 5 उठाकर देखते हैं दोस्तों तो दैट शेड्यूल 5 गोज इन समथिंग लाइक आई थिंक 7-8 पेजेस, 7-8 पेज का वो शेड्यूल है जिसमें काफ़ी इलेबोरेट करके बहुत कुछ लॉ मेकर ने लिख दिया है. तो अगर लॉ मेकर ने शेड्यूल 5 में एक जगह नहीं दिया होता, अगर एक जगह कंटेन नहीं किया होता तो सेक्शन 196 के साथ भी पूरा वो कॉन्सेप्ट देना पड़ता, 197 के साथ भी पूरा वो कॉन्सेप्ट देना पड़ता, और अगर कंपनी लॉ में किसी तीसरे सेक्शन में शेड्यूल 5 का रेफरेंस है तो उसके साथ भी शेड्यूल 5 का पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा से देना पड़ता. तो लॉ मेकर को वो पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा ना लिखना पड़े, इसके लिए लॉ मेकर क्या करता है, वो पूरे कॉन्सेप्ट को एक जगह लिख देता है शेड्यूल में और फिर अलग अलग सेक्शंस में रेफर कर देता है कि रेफर शेड्यूल 5, रेफर शेड्यूल 5, रेफर शेड्यूल 5 ओवर देयर, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो कुल मिलाकर शेड्यूल्स हमारी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं.
वेल इन अंडरस्टैंडिंग द मेन सेक्शंस देन रीड द स्टैट्यूट एज अ होल. और मैं एक लाइन हमेशा बार बार रिपीट करता रहता हूँ, आइदर यू कंप्लाई विद द लॉ इन टोटैलिटी और यू डोंट कंप्लाई विद द लॉ. कंप्लाइंग विद द लॉ इन पार्ट्स इन पोर्शंस इज नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं है, बेवकूफ़ी है. अगर आपको लॉ कंप्लाई करना है तो पूरा कंप्लाई करो, नहीं करना है तो कंप्लाई मत करो, डोंट कंप्लाई इन दैट केस. सो रीड द स्टैट्यूट एज अ होल, मतलब सारे सेक्शंस को एक साथ जोड़कर पढ़ो. मैंने पहली क्लास में बोला था हमारा पहला कदम होता है, पहला पर्पज़ होता है कि हम एक सेक्शन को, सब सेक्शन को, क्लॉज को, सब क्लॉज को खोल खोल कर पढ़ें, तोड़ तोड़ कर पढ़ें, बाल की खाल निकाल कर पढ़ें. लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें सारे सेक्शंस को एक साथ जोड़ कर पढ़ना भी आना चाहिए. दैट इज़ विजडम, या जिसको कहेंगे समझदारी है, और सारे सेक्शंस को एक साथ इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए. दैट इज़ ऑल अबाउट द इंटरनल एड्स इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ. नाउ व्हेन आई से द एक्सटर्नल एड्स इन द इंटरप्रिटेशन लॉ, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ एक्सटर्नल एड्स की तरफ. आपको थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन को फील करवाना चाहता हूँ. कई बार आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ इंटरनल एड्स के अंदर आपके लिए जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं, अब ये थोड़ा सा सिलेबस के बाहर जा रहा हूँ मैं, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस. पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं, कॉमाज, फुल स्टॉप्स, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. और उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपको एक ही एग्जाम्पल दो बार रिपीट करके दे रहा हूँ. जो ऊपर लिखा है और जो नीचे लिखा है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्क है फुल स्टॉप्स में और कॉमाज में. दिस इज द ओनली डिफरेंस. नाउ यू हैव टू जस्ट रीड दैट और देखिएगा दोनों के मतलब में क्या फर्क है. ऊपर लिखते हैं सिमरन लेटर लिख रही हैं, डियर राज, आई वॉन्ट अ मैन हु नोज व्हाट द लव इज. मैं एक ऐसा आदमी चाहती हूँ जिसको पता हो कि प्यार क्या है. यू हैव रियूंड मी फॉर अदर मैन, मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ कि मैं अब ज़िंदगी में किसी और आदमी को पसंद कर ही नहीं सकती हूँ. आई यर्न फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ. आई हैव नो फीलिंग्स व्हाट्सएवर व्हेन वी आर अपार्ट, मेरे दिल में कोई भावनाएं नहीं रहती जब हम दूर होते हैं. आई कैन बी फॉर एवर हैप्पी, मैं हमेशा खुश रह सकती हूँ. विल यू लेट मी बी योर्स, क्या तुम मुझे अपनी बनाओगे, क्या तुम मेरे बनोगे, सिमरन. और नीचे इस शब्द सारे के सारे सेम हैं दोस्तों, एक शब्द भी नहीं बदला, लेकिन सिर्फ फुल स्टॉप और कॉमास बदल दिए गए हैं. डियर राज, आई वॉन्ट अ मैन हु नोज़ व्हाट द लव इज़, मैं एक ऐसा आदमी चाहती हूँ जिसको पता है कि प्यार क्या है. यू हैव रियूंड मी, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है, फुल स्टॉप. फॉर अदर मैन आई यर्न, दूसरे लोगों के लिए, दूसरे आदमियों के लिए मैं पागल हूँ. फॉर यू आई हैव नो फीलिंग्स फॉर व्हाट्सएवर, तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है. When we are apart, I can be forever happy. जब हम दूर होते हैं तो मैं हमेशा के लिए खुश हो सकती हूँ. Will you let me be? क्या तुम मुझे खुश रहने दोगे? क्या तुम मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दोगे? मतलब दफा हो जाओ. Yours, Simran. Now I'll say, शब्द बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है. फर्क किस चीज़ का है? कॉमास और फुल स्टॉप्स का. शब्दों में कहीं कोई फर्क नहीं है. अब ये हमारे सिलेबस की बात नहीं हो रही है, सिलेबस के बाहर की बात हो रही है. तो क्या एक कॉमा, एक फुल स्टॉप, एक सेमी कॉलन भी इंपॉर्टेंट होता है? येस और नो, एंड द आंसर इज येस. चलिए मैं अब आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल देता हूँ. एक कॉमा के ऊपर एक लड़ाई है सारी, और कुछ 100 करोड़ 200 करोड़ का नियर अबाउट डिस्प्यूट है, ₹200 करोड़ का डिस्प्यूट है नियर अबाउट, 200 करोड़ का कॉम्पनसेशन मांगा जा रहा है. कॉन्ट्रैक्ट इज हैपनिंग बिटवीन ABC लिमिटेड एंड XYZ लिमिटेड. दो कंपनीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं. अब बहुत ध्यान से पढ़िएगा एक एक शब्द. और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, द एग्रीमेंट शैल कॉन्टिन्यू इन फोर्स फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट इट इज मेड. जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ उस दिन के बाद 5 साल के लिए एप्लीकेबल है. कॉमा, एंड देयर आफ्टर फॉर द सक्सेसिव पीरियड ऑफ 5 ईयर टर्म्स, कॉमा. तो इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है 5 साल के लिए, उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करेंगे 5 ईयर्स सक्सेसिव टर्म्स के लिए. अनलेस एंड अनटिल टर्मिनेटेड बाय 1 ईयर प्रायर नोटिस इन राइटिंग बाय द आइदर पार्टी. अनलेस एंड अनटिल टर्मिनेटेड बाय 1 ईयर प्रायर एग्रीमेंट बाय 1 ईयर प्रायर नोटिस इन द राइटिंग बाय द आइदर पार्टी. अगर दोनों में से कोई भी पार्टी अगर टर्मिनेट करना चाहे तो कर सकती है. टर्मिनेटेड बाय 1 ईयर प्रायर नोटिस. दोनों में से कोई भी पार्टी अगर 1 साल का नोटिस देकर टर्मिनेट करना चाहे तो टर्मिनेट कर सकती है इन राइटिंग एंड बाय आइदर पार्टी. आइदर पार्टी का मतलब बोथ पार्टीज. आइदर का मतलब बोथ पार्टीज. अब ध्यान से देखिएगा,
एक्स वाई जेड लिमिटेड टर्मिनेटेड द कॉन्ट्रैक्ट, एक्स वाई जेड लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया इन द इनिशियल पीरियड ऑफ 5 ईयर्स बाय 1 ईयर प्रायर नोटिस, प्रायर नोटिस दिया इन राइटिंग, वेदर ए बी सी लिमिटेड कैन फाइल सूट अगेंस्ट एक्स वाई जेड लिमिटेड फॉर कॉम्पनसेशन, और एक कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं छोटा सा रुपीज 200 करोड़ कि आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एबीसी लिमिटेड ने सूट फाइल किया है एक्स वाई जेड के अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्स वाई जेड ने प्रायर नोटिस दिया है, लेकिन अब सारा झमेला जो है दोस्तों वो इस चीज का है, कॉन्ट्रैक्ट कब टर्मिनेट किया है, इनिशियल पीरियड ऑफ 5 ईयर्स में। ये सक्सेसिव टर्म नहीं है, ये सेकेंड टेन्योर नहीं है, ये क्या है, इनिशियल पीरियड ऑफ 5 ईयर्स जब ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है। एबीसी लिमिटेड का कहना है कि आप टर्मिनेट करना चाहो आप टर्मिनेट कर सकते हो ड्यूरिंग सक्सेसिव टेन्योर, लेकिन आप फर्स्ट टेन्योर चलते हुए आप टर्मिनेट नहीं कर सकते हो, फर्स्ट टेन्योर चलते हुए टर्मिनेट करोगे तो दिस इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब दो एडवोकेट्स हायर किए गए हैं और केस दो एडवोकेट लड़ रहे हैं, मामला कोर्ट में है, एक तरफ से एबीसी लिमिटेड के एडवोकेट और दूसरी तरफ से एक्स वाई जेड लिमिटेड के एडवोकेट, और मामला प्रॉपर कोर्ट में लड़ा जा रहा है। एबीसी लिमिटेड के एडवोकेट का कहना है, आर्ग्यूमेंट है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कब टर्मिनेट करना है, वेल ड्यूरिंग सक्सीडिंग टेन्योर, ड्यूरिंग सक्सीडिंग टेन्योर, सेकेंड टेन्योर में आप अगर टर्मिनेट करना चाहें तो आप सेकेंड टेन्योर में टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन आप फर्स्ट टेन्योर में टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, फर्स्ट टेन्योर में टर्मिनेट करना अलाउड नहीं है, सिर्फ सेकेंड टेन्योर में ही टर्मिनेट करना अलाउड है, दैट इज इट। तो अब सवाल आपके लिए ये है, जबकि एक्स वाई जेड लिमिटेड के जो एडवोकेट हैं वो कहते हैं जी इनिशियल टेन्योर में भी टर्मिनेट कर सकते हैं और सक्सीडिंग टेन्योर में तो टर्मिनेट कर ही सकते हैं और कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एक्स वाई जेड के एडवोकेट का कहना कि कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इनिशियल टेन्योर में भी टर्मिनेट कर सकते हैं ड्यूरिंग 5 ईयर्स बाय गिविंग 1 ईयर एडवांस नोटिस। तो चाहे इनिशियल टेन्योर हो 5 ईयर्स का, वहां पर भी 1 ईयर एडवांस नोटिस देकर टर्मिनेट कर सकते हैं, चाहे सक्सीडिंग टेन्योर हो 5 ईयर्स का उसमें भी 1 ईयर एडवांस नोटिस देकर टर्मिनेट कर सकते हैं। एक्स वाई जेड लिमिटेड के जो एडवोकेट हैं उनको कहना कि उनका कहना कि हमने कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है क्योंकि हमने तो 1 ईयर एडवांस नोटिस देकर टर्मिनेट किया है। तो अब आपके लिए सवाल है और वो सवाल यही है आपके लिए कि एक्स वाई जेड ने जो टर्मिनेट किया है बाय गिविंग 1 ईयर एडवांस नोटिस वो सही किया या गलत किया, क्या सिर्फ सक्सीडिंग टेन्योर में ही टर्मिनेट कर सकते हैं, क्या फर्स्ट टेन्योर में टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, दैट इज व्हाट इज द क्वेश्चन फॉर यू। हाँ जी, तो अब आप आंसर आपको देना है कि क्या फर्स्ट टेन्योर में है? तो अब क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स वाई जेड ने कब टर्मिनेट किया इनिशियल पीरियड ऑफ 5 ईयर्स में, बाय गिविंग 1 ईयर प्रायर नोटिस, और सवाल आपके लिए है सही किया या गलत किया, सही है या गलत है, 1 ईयर प्रायर नोटिस दिया है। तो ऊपर जो लिखा है एक बार मैं फिर से लास्ट टाइम पढ़ देता हूँ, द एग्रीमेंट शेल कॉन्टिन्यू इन फोर्स फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स मेड कॉमा एंड देयर आफ्टर फॉर सक्सेसिव 5 ईयर्स टर्म्स कॉमा वंस अगेन अनलेस एंड अनटिल टर्मिनेटेड बाय 1 ईयर प्रायर नोटिस इन राइटिंग बाय आइदर पार्टी। चलिए, मेरे पास आंसर बहुत रेगुलर आ रहा है, रेगुलर आंसर आई एम गेटिंग फ्रॉम अलवर, हनुमानगढ़, द्वारका, मोदी नगर, जनकपुरी, पानीपत, गुवाहाटी, इलाहाबाद। विल आई से इलाहाबाद को छोड़कर बाकी सब ने कहा नो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इलाहाबाद ने कहा देर इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आगरा ने कहा, आगरा ने भी कहा एक्स वाई जेड लिमिटेड इज करेक्ट देर इज नो ब्रीच,
कुरुक्षेत्रा भी कहता है इट इज़ नॉट अ ब्रीच, पठानकोट भी कहता है इट इज़ नॉट अ ब्रीच, सिर्फ आगरा ने कहा है, ओनली द आगरा इज सेइंग दैट देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द एबीसी कैन फाइल द सूट। तो मैं सवाल को दूसरे तरीके से पूछ रहा हूँ दोस्तों, और वो ये है, अब ध्यान से ऊपर वाली लाइन्स पढ़िएगा। ये जो वन ईयर प्रायर नोटिस देकर टर्मिनेट करने का हक है, ये वन ईयर प्रायर नोटिस किसके लिए है? ये वन ईयर प्रायर नोटिस ड्यूरिंग फर्स्ट टेन्योर ऑफ फाइव ईयर्स के लिए है, या ये वन ईयर प्रायर नोटिस सक्सेसिव फाइव ईयर्स के लिए है? सक्सेसिव टेन्योर ऑफ फाइव ईयर्स के लिए है। ये वन ईयर प्रायर नोटिस किसके लिए है? बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ये वन ईयर प्रायर नोटिस सिर्फ सक्सेसिव फाइव ईयर टर्म्स के लिए है, जब सेकेंड टेन्योर शुरू हो जाएगा उसमें वन ईयर प्रायर नोटिस देंगे और टर्मिनेट करेंगे, या वन ईयर प्रायर नोटिस फर्स्ट टेन्योर ऑफ फाइव ईयर्स के लिए भी है और सेकेंड टेन्योर ऑफ फाइव ईयर्स के लिए भी है? इलाहाबाद कहते हैं ओनली फॉर सक्सेसिव फाइव ईयर, बाकी सब लोग कह रहे हैं फरीदाबाद, कुरुक्षेत्रा, गुवाहाटी से इज बोथ बोथ बोथ, हनुमानगढ़ से इज ओनली फॉर सक्सेसिव, कुरुक्षेत्रा से इज बोथ, पठानकोट से इज ओनली फॉर फर्स्ट टेन्योर नॉट फॉर सेकेंड टेन्योर, पठानकोट ओनली फॉर फर्स्ट टेन्योर एंड नॉट फर्स्ट ईयर एंड नॉट फॉर सेकेंड टेन्योर, कुरुक्षेत्रा से इज बोथ, मोदीनगर से इज बोथ, जनकपुरी, द्वारका, अलवर, पानीपत, एवरीबडी से इज बोथ बोथ बोथ, दोनों टेन्योर्स के लिए है। मेजॉरिटी ओपिनियन आया कि बोथ के लिए है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप बोथ के लिए हैं? लिखा तो वो सक्सेसिव टेन्योर ऑफ फाइव ईयर्स के बाद हुआ है, अनलेस एंड अनटिल, ये बोथ इंटरप्रिटेशन क्यों आया आप लोगों की? चलिए मैं ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सही आंसर है बोथ, सही आंसर है बोथ, कि ये जो वन ईयर का जो प्रायर नोटिस है ये ड्यूरिंग फर्स्ट टेन्योर भी दे सकते हैं और ये ड्यूरिंग सेकेंड टेन्योर भी दे सकते हैं, तो सही आंसर तो है बोथ, दोनों के लिए है। क्यों है? द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, आल से सेकेंड कॉमा, ये जो सेकंड कॉमा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सेकंड कॉमा नहीं होता तो क्या होता? अगर ये कॉमा नहीं होता और ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूटी में जा रहा होता तो क्या होता? तो हम कहते हैं कि सिर्फ जो सक्सेसिव टेन्योर सेकंड टेन्योर है उसके लिए ये फाइव ईयर वन ईयर प्रायर नोटिस एप्लीकेबल है और फिर वो फर्स्ट टेन्योर ऑफ फाइव ईयर्स के लिए नहीं है। लेकिन दो कॉमाज आ जाने से क्या होता है? दो कॉमाज आ जाने से क्या होता है? इस सेंटेंस के तीन पार्ट्स हो गए। पहला पार्ट फर्स्ट टेन्योर ऑफ फाइव ईयर्स, दूसरा पार्ट सेकंड टेन्योर ऑफ फाइव ईयर्स, और तीसरा पार्ट प्रायर नोटिस देकर आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। अब हमने सेंटेंस को तीन पार्ट्स में तोड़ दिया, फर्स्ट ब्लॉक इनिशियल फाइव ईयर्स, सेकंड ब्लॉक सक्सेसिव फाइव ईयर्स, थर्ड ब्लॉक एंड दैट इज वन ईयर प्रायर नोटिस देकर आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं, दोनों पार्टीज के पास पावर है। तो जब हमने दो कॉमर्स लगाए तो अब ये जो थर्ड पार्ट बना प्रायर नोटिस वाला, वन ईयर प्रायर नोटिस देना है, क्या ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अब दोनों के साथ कनेक्ट हो जाएगा? आंसर इज येस, अब ये दोनों के साथ कनेक्ट हो जाएगा जिस तरीके से ये सेंटेंस लिखा गया है। अगर ये सेकंड कॉमा नहीं होता और अगर ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूटी में जा रहा होता, अगर ये पूरा सेंटेंस कॉन्टिन्यूटी में जा रहा होता, फर्स्ट पार्ट अलग कर देते इनिशियल टेन्योर ऑफ फाइव ईयर्स और फिर सेकेंड पार्ट में कहते टेन्योर इज सक्सीडिंग फाइव ईयर्स विच कैन बी टर्मिनेटेड बाई गिविंग वन ईयर प्रायर नोटिस, तो फिर वो प्रायर नोटिस जो है वो सिर्फ सेकेंड पार्ट के लिए होता, तो फिर वो फर्स्ट पार्ट के लिए नहीं होता। तो सिर्फ एक कॉमा का खेल था और उस एक कॉमा के खेल पे अब एक कंपनी केस जीत गई और एक कंपनी केस हार गई। तो फाइनली हु इज करेक्ट, किसका आर्ग्यूमेंट सही है, ए बी सी का या एक्स वाई जेड का, किसका आर्ग्यूमेंट सही है दोस्तों? ए बी सी और एक्स वाई जेड, whose argument is right? Janakpuri says XYZ, Rohtak says XYZ, Kurukshetra says ABC, Alwar says XYZ, Kurukshetra comes back, huh? Kurukshetra ne change kiya ABC to XYZ over there, Modinagar XYZ, Lakshminagar kehta sir koi DEF company hai, फरीदाबाद एक्स वाई जेड, इलाहाबाद एक्स वाई जेड, पठानकोट एक्स वाई जेड, सो एवरीबडी एग्रीज ओवर देयर कि एक्स वाई जेड सही है और देयर इज एक्चुअली नो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ और इसलिए एबीसी लिमिटेड को कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, एबीसी लिमिटेड को फाइनली कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। एंड द डेविल इज द इंपॉर्टेंट थिंग इज इन दिस सेंटेंस सेकेंड कॉमा, ये फर्स्ट कॉमा उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, जो सेकेंड कॉमा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से जो वन ईयर प्रायर नोटिस है वो दोनों के साथ कनेक्ट हो गया।
एंड आई होप नाउ द थिंग्स आर क्लियर टू एवरीबडी. तो मैं सिर्फ दोस्तों इतना बताना चाहता हूँ कि लॉ पढ़ते समय एक एक कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो आप इंग्लिश का नॉवल नहीं पढ़ रहे हैं, आप लॉ पढ़ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो चाहे इनकम टैक्स एक्ट हो, चाहे कंपनीज एक्ट हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी लॉ हो, चाहे आप इंडिया के बाहर शिफ्ट हो जाएं, दुनिया का कोई भी लॉ हो, एवरी कॉमा हैज़ इट्स इंपॉर्टेंस ओवर देयर. एंड एक कंपनी 200 करोड़ का केस जीत जाती है, एक कंपनी 200 करोड़ का केस हार जाती है ओनली बिकॉज ऑफ वन कॉमा. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ कॉमाज और अदरवाइज योर चेयरमैन MD ऑफ द कंपनी विल गो इन टू कोमा. थैंक यू सो मच. अभी मैं कहूँगा वापस आ जाते हैं इस चैप्टर के बचे हुए पार्ट में, एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ओवर देयर. तो इंटरनल एड्स हमें इन सब चीज़ों से मिलती हैं और एक कॉमा भी हमें इंटरनल हेल्प देता है लॉ को समझने के लिए. लॉ की लैंग्वेज से हेल्प मिलती है लॉ को समझने के लिए. एक्सटर्नल एड टू द इंटरप्रिटेशन, लॉ के बाहर से कहाँ कहाँ से मदद मिलती है. सबसे पहले है हिस्टोरिकल सेटिंग्स. हिस्टोरिकल सेटिंग का मतलब वही, जब लॉ लिखा गया था उस वक्त सोसाइटी के हालात क्या थे और उन हालातों को डील करने के लिए लॉ लिखा गया था. तो अगर आप उन सोसाइटी के उन हालातों में जाकर सोचेंगे कि जो लॉ लिखा गया था क्यों लिखा गया था, तो लॉ पढ़ना और लॉ को समझना आसान हो जाएगा. लॉ मेकर के माइंड सेट को समझना आसान हो जाएगा, दैट इज़ हिस्टोरिकल सेटिंग. तो मैं अब एक एक शब्द पढ़कर नहीं सुना रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को, बट आई विल से प्लीज़ गो बैक होम, टेक इट एज अ होमवर्क एंड रीड इट फॉर योरसेल्फ. कोई प्रॉब्लम आती है डू आस्क मी इन द कमिंग क्लासेस. तो हिस्टोरिकल सेटिंग एंड देन कंसोलिडेटिंग द स्टैट्यूट्स एंड द प्रीवियस लॉ. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, कंसोलिडेटिंग द स्टैट्यूट्स एंड द प्रीवियस लॉ. कई बार ऐसा होता है कि पुराने दो लॉ को जोड़कर एक नया सिंगल लॉ बनाया जा रहा है. एनीबडी हैविंग आइडिया, आजकल ऐसा कुछ हो रहा हो टैक्सेशन की दुनिया में, डायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में, कोई पुराने दो लॉ जोड़कर एक सिंगल नया लॉ बनाया जा रहा हो? चलिए, आई एम गेटिंग दैट. हाँ, एवरीबडी सेइंग दैट द्वारका सेज GST, जनकपुरी सेज GST, अलवर, रोहतक, पानीपत, मुजफ्फरनगर, एवरीबडी सेज GST, कुरुक्षेत्रा सेज DTC. आई डोंट नो वाई, बट आई विल से यस, मोस्ट ऑफ अस आर वेरी क्लियर कि GST इज समथिंग विच इज़ अपकमिंग वेरी सून ओवर देयर. और उसमें सर्विस टैक्स वगैरह सब कंबाइन किया जा रहा है अलॉन्ग विद द वैट एंड ऑल दैट. तो अब कुल मिलाकर कहानी यह है कि कई बार ऐसा होता है कि जब नया लॉ बनाया जाता है तो पुराने दो या दो से ज़्यादा लॉ जोड़ दिए जाते हैं, सो दैट वन सिंगल न्यू लॉ इज़ क्रिएटेड ओवर देयर. तो कंसोलिडेटिंग द स्टैट्यूट्स, और उस केस में क्या है, नया लॉ भी पढ़िए, जो पुराने लॉ एबॉलिश कर दिए गए हैं दोनों या दो या तीन या चार, उन सबको भी पढ़िए और फिर सोचिए समझिए कि फ़र्क क्या पड़ा, असर क्या पड़ा, पहले क्या था अब क्या हो रहा है और दोनों में डिफरेंस क्या है, कंपेयर ओवर देयर. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, वेल दैट इज़ कंसॉलिडेटिंग द स्टैट्यूट्स एंड द प्रीवियस लॉ. देन यूजेज की बात करें, अब इसमें मेरे बताने वाला कुछ नहीं है. सप्तपदी का एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी मालूम है. तो लॉ में लिखा है सप्तपदी हिंदू मैरिज एक्ट में, और उसका मतलब है अग्नि के सात फेरे, और अग्नि के सात फेरे का मतलब सिगरेट नहीं है, हवन कुंड है. एवरीबडी नोज दैट यूजेज. तो यूजेज का मतलब सामाजिक प्रथा जो चल रही है उससे पता चलता है. वी आर नॉट सेइंग हिस्टोरिकल सेटिंग, वी आर सेइंग इवन करंट, आजकल भी जो चल रहा है that is सामाजिक प्रथा. देन अर्लियर एंड द लेटर एक्ट्स एंड एनालोगस एक्ट्स. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अर्लियर एंड द लेटर एक्ट्स, आई विल नॉट से जो एबॉलिश हो गए हैं, मतलब कुछ ऐसे पुराने एक्ट हैं जो अभी चले आ रहे हैं और उसके साथ साथ नए एक्ट भी बन गए हैं, दोनों को एक साथ जोड़कर पढ़िए. एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पहले से चला आ रहा था, फिर एक कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 और बन गया. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी लिखा हुआ है टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स, और कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के प्रीएम्बल में भी लिखा हुआ है टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स. तो एक लॉ पहले से चला आ रहा है, एक लॉ नया बन गया, अब दोनों मिलकर जॉइंटली कंज्यूमर्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दोनों को एक साथ जोड़कर पढ़ें तो कहीं ना कहीं कोरिलेशन में समझना आसान हो जाता है. इनकम टैक्स एक्ट, वेल्थ टैक्स एक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं. एक एक्ट पहले पुराना चला आ रहा है, एक एक्ट नया बन गया. ऐसा हो सकता है कि दोनों एक्ट्स में, इनकम टैक्स एक्ट में और वेल्थ टैक्स एक्ट में, कुछ सेक्शंस कॉपी पेस्ट हो, सेक्शन नंबर बदल दिया हो, लेकिन अंदर का जो कॉन्सेप्ट हो वो मोटा मोटा सेम हो. तो अगर अंदर का जो कॉन्सेप्ट है वो मोटा मोटी सेम है, लेकिन फिर भी क्या होता है, दोनों में से किसी एक एक्ट में हम वो जो एक कंपेरेबल सेक्शन को पढ़ते हैं तो लैंग्वेज थोड़ा सा एम्बिगुअस है और उसको पढ़कर बहुत क्लैरिटी नहीं आ रही है, कन्फ्यूजन है. क्या उस वक्त हम उससे मिलता जुलता सेक्शन दूसरा रेफर कर सकते हैं? तो वेल्थ टैक्स एक्ट में एक सेक्शन पढ़ा,
जिसको पढ़कर हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि लैंग्वेज बहुत बहुत अच्छे से नहीं लिखी हुई है लॉ मेकर ने, लेकिन वैसा ही मिलता जुलता सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट में है, लेकिन उसमें लैंग्वेज बहुत क्रिस्टल क्लियर है। तो क्या हम उस इंटरप्रिटेशन को इनकम टैक्स एक्ट से लेकर वेल्थ टैक्स एक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं? आंसर इज़ येस। रेफर कर सकते हैं, जज को कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं, जज माने ना माने वो एक अलग बात है, लेकिन हम अपनी तरफ से अपनी एफर्ट्स ज़रूर कर सकते हैं। सो दिस इज आई से व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्लियर एंड द लेटर एक्ट एनालोगस एक्ट्स। एनालोगस का मतलब दोस्तों, एनालोगस का मतलब मिलते जुलते, जिनका बेस सेम है, मटेरियल सेम है। एनालोगस एक्ट्स का मतलब जिनका बेस या मटेरियल सेम है। नाउ टुवर्ड्स द एंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, जस्ट टू रैप दिस वन अप, अर्लियर एक्ट एक्सप्लेन्ड बाय द लेटर एक्ट। पुराना एक्ट खत्म हो गया जिसकी जगह पर नया एक्ट आ गया। एमआरटीपी एक्ट अबॉलिश हो गया जिसकी जगह पर कॉम्पिटिशन एक्ट आ गया। एमआरटीपी एक्ट कहता था मोनोपोली इज बैड, कॉम्पिटिशन एक्ट कहता है मोनोपोली इज नॉट बैड, मिस यूज ऑफ मोनोपोली इज बैड। तो एमआरटीपी एक्ट कहता था मोनोपोली एस्टैब्लिश ही मत करो, कॉम्पिटिशन एक्ट कहता है मोनोपोली एस्टैब्लिश करो, कोई बुरी बात नहीं है लेकिन मोनोपोली का मिसयूज मत करो। अगर मिसयूज करोगे तो आपकी मोनोपोलिस्टिक इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट, मोनोपोलिस्टिक कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास करेगा। फेरा और फेमा के बारे में बात करते हैं, तो फेरा एबॉलिश हो गया, फेरा 1973, उसकी जगह पर फेमा आ गया, फेमा 1999। फेरा 1973 वाज अ क्रिमिनल लॉ, हर चीज़ के लिए जेल थी, कभी 3 साल कभी 5 साल की जेल थी। फेमा में कोई जेल है ही नहीं, आप कॉन्ट्रावेंशन करते हैं आपको फाइन देना है, 3 times द फॉरेक्स इन्वॉल्व, 3 times द डॉलर और यूरो इन्वॉल्व ओनली फाइन, इट इज़ अ सिविल लॉ। हाँ, फाइन देने से मना करते हैं, अकड़ कर बैठ जाते हैं मैं तो फाइन नहीं देता, तो उस केस में आपको सेक्शन 14 ऑफ फेमा में जेल हो सकती है, दैट इज देयर, लेकिन वो सिर्फ तब है जब आप फाइन देने से मना करें। तो फेमा में अदरवाइज सिर्फ फाइन है, देर इज नो जेल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर देयर। फेरा में कहते थे फॉरेक्स खर्च मत करो, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में कहते थे फॉरेक्स खर्च मत करो, देश का फॉरेक्स बचाओ बचाओ बचा कर रखो। फेमा में कहते हैं खर्च करो, और बहुत सारी चीज़ों में लिबर्टी दी है कि फेमा में आपको जब बोलते हैं फॉरेक्स खर्च करो, और विदाउट RBI अप्रूवल, विदाउट CG अप्रूवल, आप काफ़ी एक लिमिट्स डिफाइंड है फेमा में जहाँ तक आप फॉरेक्स खर्च कर सकते हैं। लिमिट्स के ऊपर जाना चाहें तो आपको RBI अप्रूवल वगैरह लेना पड़ता है। तो बाकी हम करेंगे जब हम फेमा से डील करेंगे। तो पुराना एक्ट और नया एक्ट कंपैरिजन में पढ़कर कुछ चीज़ें समझ में आती है नए एक्ट के बारे में। रेफरेंस टू द रिपील्ड और द डिलीटेड पार्ट ऑफ द एक्ट, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, तो अब यहां पर क्या बात हो रही है, एक्ट में कोई पुराना सेक्शन डिलीट हो गया, उसकी जगह पर कोई नया सेक्शन इंसर्ट हो गया। तो जो पुराना सेक्शन डिलीट हो गया और जो नया सेक्शन इंसर्ट हो गया, दोनों को आपस में कंपेयर करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि पहले क्या था और अब क्या हो गया है, और पहले कौन सी चीज़ें गलत चल रही थी जिनको रोकने के लिए वो अमेंडमेंट की गई या नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। ऊपर स्क्रीन पे अपर हाफ में और लोअर हाफ में जो दिया गया उसमें अगर मैं कंपेरिजन करूँ तो दोनों में डिफरेंस क्या है। अपर हाफ में जो ऊपर दिया गया है वो ये कहता है कि पूरा ओल्ड एक्ट खत्म हो गया, उसकी जगह पर पूरा नया एक्ट आ गया, जबकि नीचे जो बात हो रही है वो ये बात हो रही है कि एक्ट वही है, उसमें एक पुराना सेक्शन डिलीट हो गया और एक नया सेक्शन आ गया। आई होप यू आर गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको। देन आई एम गोइंग ऑन फर्दर, आई विल से डिक्शनरी डेफिनेशंस। क्या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो जजेस हैं वो डिक्शनरी ओपन करके डिक्शनरी डेफिनेशंस को भी रेफर करें? क्या जजेस को भी जरूरत पड़ सकती है? आंसर इज येस। डिक्शनरी दो प्रकार की होती है, एक होती है लीगल डिक्शनरी, दूसरी होती है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, नॉर्मल इंग्लिश डिक्शनरी। जजेस के पास दोनों डिक्शनरीज अवेलेबल हैं, बोथ द डिक्शनरीज आर अवेलेबल। देन आई विल से सो क्या डिक्शनरीज को भी रेफर करने की आवश्यकता पड़ती है? आंसर इज येस। यूज ऑफ फॉरेन डिसीजंस ओवर देयर, सो क्या इंडिया में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या किसी फॉरेन कोर्ट के डिसीजन को भी रेफर कर सकता है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फॉरेन कोर्ट का डिसीजन इंडिया में इंडियन कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है, लेकिन अगर हमें उसमें कुछ पसंद आता है, अगर वो फॉरेन लॉ इंडियन लॉ से मिलता जुलता है और उन्होंने जो फॉरेन कोर्ट में जो लॉजिक दिया है, जो डिसीजन में जो लॉजिक और रीज़न दिया है, अगर वो लॉजिक हमें पसंद आता है, तो क्या हम उसी रीज़न को, लॉजिक को इंडिया में अपनी मर्जी से वॉलंटियरली कॉपी कर सकते हैं? एंड द आंसर इज़ येस। तो फॉरेन कोर्ट के डिसीजंस इंडियन कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग तो नहीं है, लेकिन अगर इंडियन कोर्ट्स चाहें तो उनको फॉलो कर सकते हैं। देन आई विल से वन स्मॉल क्वेश्चन केम इन द एग्जाम ओवर देयर,
शायद आप लोगों को याद हो, आपने आईपीसीसी लेवल पे किया होगा कि एनुअल जनरल मीटिंग में चार बिजनेस ऑर्डिनरी होते हैं, बाकी सारे बिजनेस स्पेशल होते हैं। याद है दोस्तों किसी को? वो चार ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होते हैं? क्या कोई मुझे एक एक शब्द में बता सकता है कि वो चार ऑर्डिनरी बिजनेस क्या थे? फोर वर्ड्स फॉर फोर ऑर्डिनरी बिजनेसेस। एनुअल जनरल मीटिंग जब हम करवाते हैं, चार बिजनेस ऑर्डिनरी होते हैं। अभी एग्जामिनेशन क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। चार बिजनेस ऑर्डिनरी होते हैं, बाकी सारे बिजनेस स्पेशल होते हैं। वो चार ऑर्डिनरी बिजनेस क्या थे? नंबर वन, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट को अडॉप्ट करते हैं। वेल, वेरी गुड, पानीपत, पठानकोट। देन पानीपत से ही आंसर आया, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर करते हैं, पानीपत अलवर। स्टैचुटरी ऑडिटर अपॉइंट करते हैं एजीएम में, ऑर्डिनरी बिजनेस होता है। डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, जनकपुरी से सारे आंसर आ गए मेरे पास। ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं और अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स। सो थैंक यू सो मच, आई गॉट ऑल द आंसर्स। कुरुक्षेत्र, पानीपत, गुवाहाटी, वेल एवरीवेयर, वेल आई गॉट द आंसर्स फाइनली कि चार ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं। इन चार ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए हम नोटिस में कहना चाहिए एजेंडा आइटम तो देते हैं, लेकिन हम उसके साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं देते हैं। लेकिन चार के अलावा जब हम कोई स्पेशल बिजनेस करते हैं, इन चार के अलावा हम जब कोई पांचवा बिजनेस करते हैं, तो कोई भी पांचवा, छठा, सातवां बिजनेस ऑटोमेटिकली डीम्ड टू बी स्पेशल बिजनेस। ये सेक्शन 173 होता था ओल्ड एक्ट में, एंड इट हैज़ बिकम सेक्शन, वेल आई विल से 102 इन द न्यू एक्ट राइट नाउ। तो जो ऑर्डिनरी बिजनेस है और स्पेशल बिजनेस है, मेनली फर्क यही होता है कि ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए आपको नोटिस ऑफ एजीएम में सिर्फ एजेंडा देना होता है, लेकिन आपको साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं देनी होती है। जबकि स्पेशल बिजनेस के लिए आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देना पड़ता है और आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हम वो पांचवा बिजनेस क्यों कर रहे हैं, उसके मटेरियल फैक्ट्स बताने पड़ते हैं। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन ये पूछा कि वो दो शब्द यूज़ किए जा रहे हैं मटेरियल फैक्ट्स। लॉ मेकर ने लॉ में दो शब्द यूज़ किए कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको स्पेशल बिजनेस से जुड़े हुए मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज करने हैं। तो मटेरियल फैक्ट्स का मतलब सिर्फ जो मोटे मोटे फैक्ट्स हैं वो डिस्क्लोज करने हैं, या माइन्यूट छोटी छोटी टेक्निकल डिटेल्स भी देनी है? हाँ जी, ओनली द मटेरियल फैक्ट्स, ओनली जो ब्रॉड फैक्ट्स हैं, ब्रॉड फैक्ट्स बताने हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे, या छोटी छोटी माइन्यूट टेक्निकल डिटेल्स भी देनी है? ओनली फैक्ट्स या माइन्यूट डिटेल्स, स्मॉल स्मॉल डिटेल्स, हर छोटी से छोटी डिटेल? द्वारका सेज ब्रॉड फैक्ट्स, जनकपुरी सेज माइन्यूट डिटेल्स ऑल्सो हैव टू बी गिवन, फरीदाबाद कहते हैं ऑल असेंशियल एलिमेंट्स शैल बी गिवन, जनकपुरी सेज वट एवर इज नेसेसरी, रोहतक सेज छोटी छोटी डिटेल्स भी देनी है, अलवर सेज एनी फैक्ट विच मे बी मटीरियल। बहुत बढ़िया, हाँ, मटीरियल फैक्ट्स का मतलब एनी फैक्ट विच मे बी मटीरियल। तो खैर एनी हाउस, यहाँ पर जो मैं कहूँगा कि बहुत क्लियर कट इंटरप्रिटेशन है वो यही है कि असेंशियल फैक्ट्स, मोटे मोटे फैक्ट्स आपको बताने हैं, हर छोटी छोटी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। जो ज़रूरी फैक्ट्स हैं, मटीरियल फैक्ट्स हैं वो बताने हैं, जो असेंशियल फैक्ट्स हैं वो बताने हैं, हर छोटी से छोटी टेक्निकल या माइन्यूट डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है। तो एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा गया था कि मटेरियल फैक्ट्स को दो शब्दों को आप इंटरप्रेट कैसे करेंगे। तो मटेरियल का मतलब सिग्निफिकेंट, आल से असेंशियल फैक्ट्स, सिग्निफिकेंट असेंशियल फैक्ट्स एंड नॉट द माइन्यूट टेक्निकल डिटेल्स। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द रिस्पॉन्सेज टुवर्ड्स द एंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रिटेशन? तो इंटरप्रिटेशन अब ये मुझे नहीं बताना, ये आपके फर्स्ट पेज पे आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और इसके बाद भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डेफिनेशनल सेक्शन और द क्लॉजेस, ये भी मैं अब आज अभी हमने थोड़ी देर पहले कर ही लिया कि डेफिनेशन तीन प्रकार की होती हैं, दिस मीन्स दिस, दिस इंक्लूड्स दिस, और जो हम तीसरा कहते हैं दिस मीन्स दिस एंड इंक्लूड्स दिस एज वेल। तो फर्स्ट में जिसमें दिस मीन्स दिस एग्जॉस्टिव, सेकेंड वन जिसमें लिखा होता है दिस इंक्लूड्स दिस इंक्लूसिव एक्सटेंसिव, और तीसरा जो हम कहते हैं वेल दैट इज वेल मीन्स एंड इंक्लूड्स, तो मेरे हिसाब से मैं कहूँगा दैट इज इंक्लूसिव। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, इंक्लूसिव डेफिनेशन, कुछ एक सेक्शन टू में ही लिखा होता है, सेक्शन टू में मेंशन होता है दोस्तों, दैट इज टुवर्ड्स द एंड पार्ट ऑफ द चैप्टर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। सेक्शन टू में लिखा होता है कि जो डेफिनेशन आपको सेक्शन टू में दी जा रही है वो पूरे एक्ट को अप्लाई होगी अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। अगर किसी सेक्शन में कोई खास रिक्वायरमेंट हो और उस शब्द की कोई और परिभाषा उस सेक्शन में दी हो, तो उस सेक्शन के लिए वही परिभाषा इस्तेमाल करना जो उस सेक्शन में दी गई है। सेक्शन टू की परिभाषा इन जनरल पूरे एक्ट के लिए अप्लाई करना, लेकिन उस सेक्शन में सेक्शन टू की डेफिनेशंस को यूज़ मत करना जिस सेक्शन में
ऑलरेडी एक पर्टिकुलर वर्ड पहले से डिफाइंड है उसी सेक्शन के लिए उसी सेक्शन में प्रयोग करने के लिए. जो सैलरी का एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले लिया था इन द इनकम टैक्स एक्ट. एक्सप्लेन ब्रीफली द डिस्टिंक्शन बिटवीन द मैंडेटरी एंड डायरेक्टरी. कब कहते हैं कि प्रोविजन मैंडेटरी है और कब कहते हैं प्रोविजन डायरेक्टरी है. आई होप अब तो आप लोगों को याद होगा, लास्ट क्लास में किया था. मैंडेटरी के लिए कौन सा शब्द होता है? सो आई गॉट द फर्स्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम जनकपुरी शेल एंड देन फरीदाबाद, अलवर, मुजफ्फरनगर, एवरीवेयर कमिंग शेल शेल शेल. और डायरेक्टरी के लिए कौन सा शब्द होता है? डायरेक्टरी ऑप्शनल. तो उसके लिए जनकपुरी से शब्द आया मेरे पास मे मे मे. हाँ जी, ये विल शब्द नहीं होता कहीं भी. लक्ष्मीनगर, मुजफ्फरनगर, प्लीज डोंट यूज द वर्ड विल. लॉ मेकर लॉ में कभी विल लिखता ही नहीं है. लॉ मेकर लॉ में दो ही शब्दों के ऊपर चलता है, या तो शेल या फिर मे. बहुत रेयरली ऐसा होता है लॉ मेकर ने शुड वर्ड का इस्तेमाल किया हो. आई वॉज रियली वेरी सरप्राइज. आपको न्यू कंपनीज एक्ट 2013 में दिखाऊंगा. लॉ मेकर ने एक जगह पर शुड वर्ड का इस्तेमाल किया है. नॉर्मली शुड एक ऐसा शब्द है जो लॉ मेकर कभी यूज नहीं करता है. शुड का मतलब ऐसा करना चाहिए, एडवाइज है, ऐसा कर लो. तो लॉ मेकर शुड वर्ड कभी लॉ में यूज नहीं करता. आई एम वेरी सरप्राइज कि न्यू कंपनीज एक्ट 2013 में रूल्स में मुझे ये शुड वर्ड कहीं देखने के लिए मिला. सो आई वॉज रियली रियली सरप्राइज. चलिए, अलवर, फरीदाबाद, थैंक यू वेरी मच. कभी कभी मे शेल भी हो जाता है. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दैट आंसर. सो मैंडेटरी एंड डायरेक्टरी वी पीपल आर अवेयर ऑफ एंड दैट इज वेयर वी से विल स्पेसिफिक पेनल्टीज एट्सेट्रा आर गिवन. द चैप्टर इज ओवर. तो यहाँ अगर हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. अब आप लोग इसको चैप्टर कहना चाहें चैप्टर कह सकते हैं, लेकिन मैं फिर से बोलूँगा मेरे हिसाब से ये चैप्टर नहीं है. मेरे हिसाब से ये जिंदगी भर के लिए एक बेस तैयार हो गया है दुनिया का, हिंदुस्तान का या दुनिया का कोई भी लॉ पढ़ने के लिए. और एक चीज़ यहाँ पर और बोलना चाहूँगा, फिर से एक फाइनल वर्ड ऑफ एडवाइस दे रहा हूँ. हमने बहुत सारे तरीके देखे इंटरप्रिटेशन के, लेकिन इसके अलावा भी इंटरप्रिटेशन करने के और तरीके भी हैं, कुछ और प्रिंसिपल्स भी हैं. चलते चलते सिर्फ एक आखिरी लाइन बताकर यहाँ पर समअप करना चाहूँगा. लॉ मेकर ने लॉ में लिखा कि अगर मान लीजिए आपने कुछ 8 प्रकार के डिफॉल्ट किए हैं, आपको लिस्ट दे दी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, एक लिस्ट पकड़ा दी आपके हाथ में कि आपने 8 प्रकार के कोई डिफॉल्ट किए हैं ए टू एच, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी. अब उस केस में अगर आपने वो 8 डिफॉल्ट ना किए हों, अगर आपने कोई 9वां 10वां 11वां 12वां डिफॉल्ट कर रखा है, तो भी क्या आप पर्टिकुलर उस एक्टिविटी के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? येस और नो? लॉ मेकर ने लिस्ट बनाकर दे दी आपको कि आपने 8 डिफॉल्ट्स की लिस्ट आपके आंखों के सामने है, सेक्शन में लिखी हुई है. अगर आपने 8ों में से कोई भी डिफॉल्ट किया है, तो आप एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं. लेकिन आपने वो 8ों में से कोई डिफॉल्ट ना किया हो, आपने कोई 9वां डिफॉल्ट कर रखा हो, 10वां डिफॉल्ट कर रखा हो, जिसके लिए आपने फाइन पेनल्टी फेस किया हो या जेल फेस की हो, तो भी क्या आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? एंड द आंसर इज यस और नो. इलाहाबाद से इज नो, जनकपुरी से इज यस, पठानकोट से इज नो, कुरुक्षेत्रा से इज हाँ यस. बट मैं कहूँगा देन द आंसर इज नो. अगर आपने कोई 9वां डिफॉल्ट किया है, 10वां डिफॉल्ट किया है, तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे. यहाँ पर हम एक रूल अप्लाई कर लेते हैं. सिंपल वर्ड्स में बोलूँगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वट इज़ रिटन इन द लॉ, बट इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट टू नो वट इज़ नॉट रिटन इन द लॉ. ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉ में क्या लिखा है, लेकिन ये जानना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लॉ में क्या नहीं लिखा है. और इतना याद रखिएगा, वट एवर इज़ रिटन इनसाइड द बाउंड्री ऑफ लॉ, जो भी लॉ की बाउंड्री में कवर्ड है, जो भी लॉ की बाउंड्री में लिखा है, वी ऑटोमेटिकली प्रज्यूम एवरीथिंग एल्स इज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ लॉ. सो वट एवर इज मैंशन बाय द लॉ मेकर इन साइड द बाउंड्री ऑफ लॉ इज वेरी गुड, बट देन वी ऑटोमेटिकली प्रज्यूम कि जो भी लॉ मेकर ने लॉ की बाउंड्री में नहीं लिखा है, वो सब कुछ लॉ की बाउंड्री के बाहर आता है. क्योंकि लॉ मेकर ने सेंटेंस को एग्जॉस्टिव बनाया, उसके अंदर 8 डिफॉल्ट की लिस्ट पकड़ा दी, और ये कहीं नहीं बोला एनी सच अदर डिफॉल्ट और सच सिमिलर डिफॉल्ट, ऐसा कुछ नहीं बोला. तो ये एक जनरल प्रिंसिपल हम लोग अप्लाई करते हैं कि लॉ मेकर ने जो लॉ में लिखा है, जितना लिखा है उतना ही है, और बाकी जो उसने छोड़ दिया है वो सब लॉ के बाहर आता है. थैंक यू सो मच.